हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑलिव बोर्ड सो ये आपका एक लॉन्ग सेशन है क्लर्क मेंस पे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 300 जीए क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के टॉप 300 हंड्रेड यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसमें मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाए इनफैक्ट वो कवर करें हैं हमने जितने भी इंपॉर्टेंट है सो so, यहाँ पे पूरे जीए के सेशन है मतलब करंट अफेयर्स भी होगा आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी होगा एंड यू विल गेट स्टैटिक पार्ट एज वेल ठीक है सो प्लीज इस सेशन को अच्छे से देखें एंड आई नो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ये रिक्वेस्ट आने वाली है कि मैम प्लीज इसका पीडीएफ दीजिए सो so, देखिए आपका ये जो सेशन है इसको बनाने में डेफिनेटली काफी टाइम लगा है ठीक है so, तो उसका जो पीडीएफ है वो आपको दो दिन बाद मिल पाएगा सो so, डेफिनेटली हम इसका पीडीएफ देंगे तो so, आप प्लीज इस वीडियो को चेक करते रहिएगा क्योंकि दो दिन बाद मैं उसका लिंक कॉमेंट सेक्शन और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगी ठीक है सो यू विल डेफिनेटली गेट द पीडीएफ बिफोर योर एग्जाम ताकि आप रिवाइज कर सको सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 का थीम बताना है क्या है तो वो है ऑप्शन ए बायोडाइवर्सिटी अगर पूरा थीम देखे तो वो है बायोडाइवर्सिटी कंसर्न दैट इज अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल दिस इज द थीम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हर साल पांच जून को मनाया जाता है याद रखना फिफ्थ जून ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं

फूड सेफ्टी एवरी वन बिजनेस ठीक है दिस इज दिन फूड सेफ्टी एवरी वन बिजनेस अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक है किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर फिशरमैन इन तमिलनाडु तमिलनाडु में फिशरमैन के लिए जो मछुआरे होते हैं उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम अनाउंस की है इंट्रोड्यूस की है सो दैट इज इंडियन बैंक ऑप्शन बी इंडियन बैंक इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई विच इज इन तमिलनाडु इंडियन ओवरसीज बैंक का भी हेडक्वार्टर चेन्नई में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सिस्टम कंपनी मॉडर्नाइज एस बी आई पेमेंट स्विचिंग सिस्टम इनमें से कौन सी पेमेंट सिस्टम कंपनी ने एस बी आई के पेमेंट स्विचिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज कर दिया है तो वो है एसीआई वर्ल्ड वाइड ऑप्शन डी ए सी आई वर्ल्ड वाइड विड्रॉल रुपीस? रुपीस के के लिए एसबीआई ने एक्सटेंड कर दी है ओटीपी बेस्ड विद्रॉल फैसिलिटी 24 फोर बाई सेवन ठीक है सो ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड तो वो कर रहा है टेन थाउजेंड का टेन थाउजेंड रुपीज ऑप्शन बी एसबीआई के जो करंट चेयरमैन है वो है दिनेश खारा ठीक है नेक्स्ट देखो

न्यू uh, डेली में ठीक है एंड पंजाब एंड सिंध बैंक का भी न्यू डेली में नेक्स्ट देखो बी एस सी साइन एंड एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू एम्पावर एस एम ईज एस एम ईज को इंपावर करने के लिए बी एस सी ने इनमें से किस बैंक के साथ एमओयू साइन कराए एसएमईज यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बी एस सी ऐसे भी आ सकता है नॉर्मल भी आ सकता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो याद रखना इसका फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सो ये है ऑप्शन सी यस बैंक ठीक है यस बैंक इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द विंडो दैट लेट्स बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई इन एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन इंटरबैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप ठीक है तो इनमें से उस विंडो को उस कंडीशन को क्या बोलते हैं जिसमें जो बैंक होता है वो आरबीआई से मनी बोरो करता है इमरजेंसी सिचुएशन में जब इंटर बैंक लिक्विडिटी अप हो जाती है तो वो होता है एमएसएफ ठीक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ठीक है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी Cristiano Ronaldo became the second male footballer to score 100 international goals. Cristiano Ronaldo जो है वो second male footballer बने हैं जिन्होंने 100 international goals score करे हैं. Who was the first to achieve this feat? मतलब उनसे पहले ये काम किसने करा था? ठीक है? So वो थे Ali Daei. ठीक है? Option D, Ali Daei. उन्होंने करा था. उन्होंने 109 goals achieve करे थे. याद रखना 109 goals. सो नेक्स्ट डे को व्हाट वाज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2020 ट्वेंटी ऑब्जर्व ऑन द सेवेंटीन सेप्टेंबर 17 सेप्टेंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है उसका थीम आपको बताना है 2020 के लिए सो दैट इज ऑप्शन बी सेफ हेल्थ वर्कर्स सेफ पेशेंट्स ठीक है दिस इज द थीम सेफ हेल्थ वर्कर्स सेफ पेशेंट्स नेक्स्ट देखो गूगल क्लाउड पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू डिलीवर एक्सेलरेटेड बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एक्सेलरेटेड बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को डिलीवर करने के लिए गूगल क्लाउड ने इनमें से किस कंपनी के साथ अप करा है सो दैट इज एच सी एल टेक्नोलॉजीज ठीक है द प्राइवेट कंपनी एच सी एल टेक्नोलॉजीज ऑप्शन सी नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हैज लॉन्च ऑपरेशन माई सहेली इनमें से कौन सा रेलवे जोन जोन है जिसने ये लॉन्च करा है ऑपरेशन माई सहेली सो दैट इज साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर साउथ ईस्टर्न रेलवे नेक्स्ट देखो हुईड एज प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इस सोसाइटी ऑफ इंडिया सोसाइटी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट कौन बने हैं विच इज एफ टी टी आई सो वो बने हैं शेखर कपूर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर शेखर कपूर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर याद रखना पुणे पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है एफ टी टी आई एफ टी आई आई का सो नेक्स्ट देखो सैयदा अनवरा तईमोर पास रिसेंटली ठीक है शी वॉज द ओनली वेमेन सी एम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ये ओनली वेमेन सी एम थी चीफ मिनिस्टर थी इनमें से किस स्टेट की इकलौती वेमेन चीफ मिनिस्टर सो वो था असम ऑप्शन डी असम असम की कैपिटल याद रखना दिसपुर है डी आई एस पी यू आर दिसपुर Which of the following is the theme of the International Day of Peace 2020? International Day of Peace 2020 का theme बताना है तो वो है option C, Shaping Peace Together. याद भी easily रहेगा ये Shaping Peace Together. और ये मनाया जाता है हर साल 21 सितंबर को 21 सितंबर को ठीक है Next देख गोवा हैज पेयर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम लॉन्च ऑन थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी फिफ्टीन एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम जो कि ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी फिफ्टीन का लॉन्च हुआ था उसमें गोवा ने किस स्टेट के साथ पेयर करा है इस प्रोग्राम के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत सो दैट इज झारखंड ठीक है ऑप्शन सी तो याद रखना गोवा ने झारखंड के साथ पेयर करा है ठीक है नेक्स्ट देखो टाटा मोटर एंड टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स पीपीए टू सेटअप इंडिया लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट एट टाटा मोटर्स फैक्ट्री इन छिकाली टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने एक पीपीए साइन करा है जिसमें वो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट सेटअप करेंगे कहाँ पे टाटा मोटर्स की फैक्ट्री जो कि छिकाली में है छिकाली कहाँ पर है छिकाली पुणे में है याद रखना ठीक है पुणे विच इज इन महाराष्ट्र अभी हमने पढ़ा था ना एफ टी आई आई का हेडक्वार्टर पुणे में है ठीक है सो आपको बताना है कि पीपीए क्या होता है फुल फॉर्म तो पीपीए होता है पावर परचेज एग्रीमेंट ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर पावर परचेज एग्रीमेंट इज पीपीए ठीक है नेक्स्ट देखो विच कंट्री वॉज द हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवी एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाई द यू एस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है उसके हिसाब से वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी किसके पास है किस कंट्री के पास है सो दैट इज चाइना ऑप्शन ए चाइना आई नो यू नॉट बी लाइकिंग दिस नेम बट यस चाइना नेक्स्ट देखो हु अमंग दिन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड इनमें से कौन अपॉइंट हुए इंडियन रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सो वो है वी के यादव ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वी के यादव नेक्स्ट देखो आरबीआई रेगुलेट यूपीआई वॉट डज पी स्टैंड फॉर इन यूपीआई आरबीआई यूपीआई को रेगुलेट करता है तो आपको बताना है कि पी क्या होता है यूपीआई में वेरी इजी क्वेश्चन तो यूपीआई में पी होता है पेमेंट ठीक है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज यूपीआई याद रखना और इसको एनपीसीआई ने डेवलप कराता है एनपीसीआई इज नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में ठीक है नेक्स्ट देखो व्हाट डस एस स्टैंड्स फॉर इन द एलएस फैसिलिटी व्हिच वाज रिसेंटली मेड अवेलेबल फॉर फैसिलिटेटिंग एनईएफटी सेटलमेंट्स ऑन 24 बाय 7 एस बताना है एलएस फैसिलिटी में क्या होता है जो कि हाल ही में मेड मतलब अवेलेबल कर दी गई थी एनईएफटी सेटलमेंट्स के लिए 24 बाय 7 बेसिस पे ठीक है तो मुझे एनईएफटी का भी फुल फॉर्म बताओ कि क्या होता है ठीक है तो एस होता है सपोर्ट सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर सो एल एस होता है लिक्विडिटी सपोर्ट और एनई एफ टी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है ये आ जाएगा फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज एनईफ टी एल एस इज लिक्विडिटी सपोर्ट द इंडियन स्टैंडर्ड सिमिलर टू स्विफ्ट एस एफ एमस इज द एब्रीविएशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड है जो कि स्विफ्ट के सिमिलर है एस एफ एम एस उसका आपको एब्रीविएशन बताना है आपको बेसिकली बताना है कि एस एफ एमस क्या होता है सो तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम दिस इज एस एफ एमस स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम देखो एब्रीविएशन से आप डेफिनेटली मान के चलो क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो यहाँ पे मैंने एब्रीविएशन से काफी क्वेश्चन कवर अप करे हुए हैं ठीक है सो इसको अच्छे से देखेगा नेक्स्ट देखो स्विफ्ट कोड कंजिस्ट ऑफ एट और लेवन कैरेक्टर्स व्हाट डज आई रिप्रेजेंट्स इन स्विफ्ट स्विफ्ट कोड में एट से ग्यारह कैरेक्टर्स होते हैं या तो आठ कैरेक्टर होते हैं या फिर ग्यारह होते हैं तो आपको बताना आई क्या होता है स्विफ्ट में सो so, आई होता है इंटरबैंक ठीक है ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका पूरा फुल फॉर्म देखो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से देख लो स्विफ्ट का ठीक है नेक्स्ट देखते हैं What does Ellen Camels a rating system used by regulatory banking authorities stand for? Camels का एक rating system है जो कि regulatory banking authority use करती है तो उसको बताने की उसमें L क्या होता है इसका भी full form बहुत important है L होता है liquidity, ठीक है इसका पूरा full form देख लो C होता है capital adequacy, A होता है asset quality, M होता है management, L होता है liquidity और S होता है sensitivity, ठीक है So this is Camels. नेक्स्ट देखो एफ सी एन आर अकाउंट अलाउज ओनली टर्म डिपॉजिट्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ सी एन आर एफ सी एन आर अकाउंट जो होते हैं वो सिर्फ टर्म डिपॉजिट अलाउ करते हैं तो आपको एफ सी एन आर का फुल फॉर्म बताना है सो एफ सी एन आर का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट दिस इज एफ सी एन आर करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट ठीक है आपके एन आर आई एन आर आई अकाउंट होते हैं कुछ जिसमें ये आता है एक एफ सी एन आर अकाउंट ठीक है टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है कि जो एक फिक्स टर्म के बाद आप वहाँ से मनी विद्रॉ कर सकते हैं तो इसमें आपके आ जाते हैं फिक्स डिपॉजिट विच इज एफ टी एंड रिकरिंग डिपॉजिट विच इज आर डी ठीक है और फिर आपका एक आता है डिमांड डिपॉजिट जिसमें आपके करंट और सेविंग अकाउंट्स आ जाते हैं क्योंकि आप ऑन डिमांड उसमें से मनी विद्रॉ करते हैं सो so, जो एन आर आई अकाउंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट देखो BOP is the record of all international financial transactions made by a country's resident. BOP क्या है वो रिकॉर्ड है जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जो भी एक कंट्री का रेजिडेंट बना रहा है मतलब कोई भी जो कंट्री में रह रहा है वो कर रहा है ठीक है सो वॉट इज पी रेफर्स टू एन BOP? BOP में पी क्या होता है सो पी रेफर्स टू बैलेंस पेमेंट सॉरी और बी का पूरा फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बी नेक्स्ट देखो द प्राइज मनी फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज बीन टू हाउ मेनी मनी जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए उसको कितना इंक्रीज कर दिया गया है सो इट हैज बीन टू ठीक है पहले ये था सेवन पॉइंट फाइव लैक्स और अब इसको पच्चीस लाख ट्वेंटी फाइव लैक्स कर दिया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये हाइएस्ट ऑनर है ठीक है जो स्पोर्ट्स अवार्ड है उसके हाइएस्ट ऑनर में आता है ये ठीक नेक्स्ट देखो पैरा स्विमर रिसेंटली बिकेम फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ कंट्री टू गेट प्रेस्टिजियस एडवेंचर अवार्ड उस पैरा स्विमर का नाम बताइए जो हमारी कंट्री का पहले दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं जिनको प्रेस्टीजियस एडवेंचर अवार्ड मिला है सो ही इज सत्येंद्र सिंह ऑप्शन ए सत्येंद्र सिंह याद रखना क्योंकि क्वेश्चन ये आ सकता है कि सत्येंद्र सिंह किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो याद रखना स्विमर ठीक है पैरा स्विमर व्हाट इज द मंत्रा गिवन बाई पी एम मोदी फॉर यूथ टू रिमेन रेलिवेंट इन चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट ठीक है जो चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट है उसमें रेलिवेंट रहने के लिए पी एम मोदी ने यूथ को क्या मंत्र दिया है ठीक है तो वो है ऑप्शन ए स्किल री स्किल अप स्किल दिस इज द मंत्र स्किल री स्किल एंड अप स्किल नेक्स्ट देखो, है उसके ब्रांड एम्बेसिडर कौन बने हैं सो so, वो बने हैं ब्रेटली ठीक है ब्रैटली हुईज अकेटर वो बने हैं ब्रांड एम्बेसिडर स्पोर्ट्स अड्डा के नेक्स्ट देखो विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज अपॉइंटेड अश्विनी कुमार तिवारी एज इट्स एम डी एंड सी ओ इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने अश्विनी कुमार तिवारी को अपने एम डी ओ सी ओ अपॉइंट करे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सो वो है एस बी आई कार्ड्स ऑप्शन सी एस बी आई कार्ड्स नेक्स्ट देखो वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम डी एंड सी ई ऑफ एस बी आई जनरल इंश्योरेंस एस बी आई जनरल लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं सो वो बने हैं पी सी कांडपाल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर पीसी कांडपाल नेक्स्ट देखो आरबीआई प्रोजेक्टेड ग्रॉस एनपीए बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एज प्रोजेक्टेडियलेंट आरबीआई ने प्रोजेक्ट करा है कि जो ग्रॉस एनपीए होगा बाय द बाई द्वेंटी वो एट पॉइंट फाइव परसेंट होगा तो आपको बताना है कि एन क्या होता है एनपीए में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ठीक है एन होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट मीन एन हो गया नॉन ठीक है एनपीए का पूरा फुल फॉर्म देख लो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नेक्स्ट देखो विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स दैट इज स्केड्यूल्ड आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स इन 2021 कौन सी इंडियन स्टेट है जो कि होस्ट करेगी फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि स्केड्यूल है टोक्यो ओलंपिक्स के बाद 2021 में सो वो करेगी हरियाणा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हरियाणा याद रखना फोर्थ एडिशन होगा एडिशन आर इम्पोर्टेंट ठीक है और ट्वेंटी में होगा सो नेक्स्ट देखो हु इज दी ऑथर ऑफ द न्यूली पब्लिश्ड बुक टाइटल क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया न्यूली पब्लिश्ड बुक है उसके ऑथर आपको बताने हैं जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया सो वो है विरल वी आचार्य ऑप्शन बी आपने ये नाम सुना होगा ठीक है विरल आचार्य का ये आर बी आई के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं याद रखना फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आर बी आई चार मीनार इज लिस्टेड अमंगनाइज मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया चार मीनार जो है वो इंडिया का एक मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिकोग्नाइज मॉन्यूमेंट्स है ठीक तो है तो आपको बताना है चार मीनार कहाँ पे लोकेटेड है तो चार मीनार इज लोकेटेड इन तेलंगाना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तेलंगना में कहा पे हैदराबाद में ठीक हैदराबाद में चार मीनार लोकेटेड है नेक्स्ट देखो पेटीएम मनी हैज अपॉइंटेड है मनी ने इनमें से किसको अपना सीईओ अपॉइंट करा है दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सो ही इज वरुण श्रीधर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वरुण श्रीधर नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस फर्म अपॉइंटेड एस एन राजेश्वरी एज ए चेयरमैन कम्स मैनेजिंग डायरेक्टर इनमें से कौन सी इंश्योरेंस फर्म है जिसने एस एन राजेश्वरी को सीएमडी अपॉइंट कराए ठीक है ठीके? सो दैट इज ओरिएटल इंश्योरेंस ऑप्शन ए ओरिएटल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है न्यू डेली में ठीक है नेक्स्ट देखो हरियाणा गवर्नमेंट अपॉइंटेड बबीता फोगाट एंड कविता एज ए स्पोर्ट्स डेप्यूटी डायरेक्टर्स हरियाणा गवर्नमेंट ने बबीता फोगाट और कविता को स्पोर्ट डेप्यूटी डायरेक्टर अपॉइंट कराया है तो आपको बताना है बबीता फोगाट जो है वो इनमें से किस फील्ड से एसोसिएटेड है ठीक है सो शी इज एसोसिएटेड विद रेस्लिंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रेस्लिंग जनरली रेस्लिंग बॉक्सिंग वेट लिफ्टिंग ये बहुत कंफ्यूज करते हैं ठीक है तो याद रखना बबीता फोगाट रेस्लिंग सो नेक्स्ट देखो हु अमंग द फॉलोइंग द 2020 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है सो so, वो जीता है ऑप्शन ई लुइस हैमिल्टन ने और किसको हरा के जीता है तो वो हरा के आए उन्होंने मैक्स ब्रेस्ट्र स्पेन को स्पेन को ठीक है मैक्स ब्रेस्ट्र स्पेन को हरा के उन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने ठीक है तो कुछ भी आ सकता है कि किसको हरा के जीता है और किसने विनर का नाम भी पूछ सकते हैं रनर अप का भी पूछ सकते हैं लाइक किसको हरा के जीता है नेक्स्ट देखो तिरोदा थर्मल पावर स्टेशन इज अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट टिरोदा थर्मल पावर स्टेशन जो है वो एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है तो आपको बताना है ये कहाँ पे लोकेटेड है सो इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर महाराष्ट्र नेक्स्ट देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन अ फाइनेंसिंग डील विद रिलायंस पावर प्लांट इन बांग्लादेश फॉर हाउ मच अमाउंट एडीबी ने एक फाइनेंसिंग डील साइन की है रिलायंस के साथ बांग्लादेश में पावर प्लांट के लिए तो आपको बताने कितने की वो डील साइन हुई है सो वो हुई है टू मिलियन की ठीक है ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू हंड्रेड मिलियन एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मनीला विच इज इन फिलिपइंस नेक्स्ट देखो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टेड 650 मिलियन यूरोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक विच इज ईआईबी कितना 650 मिलियन यूरोज इन्वेस्ट करे हैं इनमें से किस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए सो दैट इज कानपुर ऑप्शन बी कानपुर कानपुर जो है कानपुर यूपी में है याद रखना कानपुर इज इन उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं करण गवर्नर है आनंदीबेन पटेल एंड चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेड क्वार्टर भी याद रखना वो है लुजमबोर्ग में ठीक है

ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर प्रणब मुखर्जी थे वो थर्टींथ प्रेसिडेंट थे हमारी कंट्री के याद रखना ठीक है ही वॉज द थर्टींथ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और फोर्टींथ प्रेसिडेंट कौन है मतलब हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है हु इज द फोर्टींथ प्रेसिडेंट ही इज रामनाथ कोविंद ठीक है रामनाथ कोविंद इज अ करंट प्रेसिडेंट एंड इज द फोर्टींथ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री सो नेक्स्ट स्टेप एच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चेक इज पेबल टू एनी पर्सन प्रेजेंटिंग इन फॉर पेमेंट एंड रिक्वेस्ट नो एंडोर्समेंट वो किस टाइप का चेक होता है जिसमें जो कि कोई भी पर्सन जो भी बैंक में लेके जा रहा है उसको वो पे हो जाता है जो भी अमाउंट है चेक पे ठीक है एंड रिक्वेस्ट नो एंडोर्समेंट और कोई भी एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं होती है सो दैट इज बियर और चेक ऑप्शन सी

He hails from which of the following nation? आपको बताना है कि वो किस nation से थे। So he was from Mexico. Option E, Mexico. नेक्स्ट देखो ऑन डिसंबर नाइनटीन ट्वेंटी इलेवन दू एन डिक्लेयर अक्टूबर इलेवन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हर साल अक्टूबर इलेवन को होता है जो कि यू एन ने डिसंबर नाइनटीन ट्वेंटी इलेवन में डिक्लेयर करा था यूनाइटेड नेशन ने तो आपको ट्वेंटी ट्वेंटी थीम बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का सो ये है ऑप्शन सी माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर दिस इज द थीम नेक्स्ट देखो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया टू बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम नवंबर 2020 कौन से एडिशन होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया का जो कि गोवा में होगा नवंबर 2020 में सो दैट विल बी फिफ्टी एडिशंस आर इंपॉर्टेंट याद रखना फिफ्टी एडिशन नेक्स्ट देखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च हरित पाथ मोबाइल ऐप टू मॉनिटर प्लांटेशन एक्ट नेशनल हाईवे प्लांटेशन को मॉनिटर करने के लिए नेशनल हाईवे के लॉन्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज एन एच ए आई लॉन्च करा एक हरित पथ ठीक है एक मोबाइल ऐप है हरित पथ करके सो वे इज द हेडक्वार्टर ऑफ एन एच ए आई आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर बताना है सो इट इज इन न्यू डेली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर न्यू डेली नेक्स्ट देखो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज द इंदिरा रसोई योजना टू प्रोवाइड सब्सिडाइज मील टू द नीडी एट रुपीज एट पर प्लेट ठीक है किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है जिसमें वो सब्सिडाइज मील देंगे जो भी नीडी पीपल है उनको कितने में रुपीज एट पर प्लेट मतलब हर प्लेट का प्राइस होगा रुपीज एट सो दैट इज राजस्थान ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर राजस्थान विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग इनमें से कौन सी पहली स्टेट बनी है वर्ल्ड की जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक हो गई है अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग सो दैट इज सिक्किम ऑप्शन डी सिक्किम नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज इज सिचुएटेड इन नागालैंड इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि नागालैंड में सिचुएटेड है सो दैट इज पकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है दिस इज इन नागालैंड नारपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये मेघालय में है अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में है ख्वानगुलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें सो इट इज इन मिजोरम और भामरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में तो याद रखना महाराष्ट्र ये मिजोरम ये नागालैंड ये पंजाब एंड दिस इज इन मेघालय नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर एन ए आई बेस्ड टेक्नोलॉजी विथ एम्स टू कॉम्बेट कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए इनमें से किस कंट्री ने ए आई बेस्ड टेक्नोलॉजी शेयर की है एम्स के साथ ठीक है ए आई कि की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो वो है इसराइल ऑप्शन बी इसराइल नेक्स्ट देखो नेम द बैंक वेज रिसेंटली ऑप्टेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आर बी आई टू सेटअप अ नॉन फाइनेंशियल सब्सिडी इनमें से कौन सा बैंक है जिसको हाल ही में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आर बी आई से एक नॉन फाइनेंशियल सेट सेटअप करने का सो दैट इज एस आई बी साउथ इंडियन बैंक ठीक है सो वो एस आई बी भी आ सकता है तो याद रखना दैट इज साउथ इंडियन बैंक नेक्स्ट देखो कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग बुक ये जो बुक है किस डिग्नेटरीज के ऊपर है सो इट इज आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ है इनमें से किसी के ऊपर नहीं है वो है वेंकैया नायडू पे याद रखना वेंकैया नायडू हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ठीक है प्रेसिडेंट बताए थे रामनाथ कोविंद हु इज द फोर्टींथ प्रेसिडेंट ठीक है एंड वेंकैया नायडू इज आर वाइस प्रेसिडेंट जिनके ऊपर है ये बुक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नेक्स्ट देखो डब्ल्यू एम ए स्कीम डिजाइन टू मीट टेम्प्रेरीमैचे एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डब्ल्यू एम ए स्कीम को डिजाइन करा गया था ताकि वो टेम्प्ररी मिसमैचेस को ठीक कर सके मीट कर सके रेसिप्ट पेमेंट में गवर्नमेंट के ठीक है तो एम क्या होता है डब्ल्यू एम ए में तो एम होता है मीन्स डब्ल्यू एम ए इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस ठीक है डब्ल्यू एम ए होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेज मुकेश अंबानी हैज़ बीन प्लेस एज द फोर्थ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू विच बिलेनियर्स इंडेक्स किस बिलेनियर्स इंडेक्स के हिसाब से मुकेश अंबानी जो है वो वर्ल्ड के फोर्थ रिचेस्ट मैन बने हैं सो दैट इज ब्लूमबर्ग ऑप्शन सी ब्लूमबर्ग मुकेश अंबानी के अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो वो है एटी पॉइंट सिक्स बिलियन यू डॉलर याद रखना यह बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो आप लोग को पता ही है नेक्स्ट देखो उत्तराखंड अलोंग विद यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज डेवलपिंग इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर इन उत्तरकाशी फॉरेस्ट उत्तराखंड यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ यानी कि यूएनडीपी के साथ डेवलप कर रहा है इंडिया का पहला कंजर्वेशन सेंटर उत्तरकाशी फॉरेस्ट में तो किसका मतलब कौन से एनिमल का कंजर्वेशन सेंटर है ये बेसिकली सो दैट इज स्नो लेपर्ड ठीक है सो इट इज डेवलपिंग इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इन उत्तरकाशी फॉरेस्ट नेक्स्ट so है सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन इनमें से किस स्टेट में लोकेटेड है सो इट इज इन यूपी ठीक है उत्तर प्रदेश में है ये नेक्स्ट देखो डी आई सी जी सी इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड गारंटी रिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू द कस्टमर ऑफ बैंक्स जो भी कस्टमर बैंक में अपना पैसा लिखवाते हैं जो भी डिपॉजिट रखवाते हैं तो जो डी आई सी जी सी है वो उन लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है उस डिपॉजिट पर तो आपको बताना है डी आई सी जी सी का एप्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है सो डी आई सी जी सी इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नेक्स्ट देखो एफडीआई एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनादर कंट्री एफडीआई क्या होता है बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट होता है ठीक है अब इसका मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाती हूँ फॉर एग्जाम्पल एमेजॉन है एमेजोन यहाँ की कंपनी नहीं है इंडिया की नहीं है अमेजोन यूएस की कंपनी है उसका हेडक्वार्टर है में इज इन यूएस तो एमेजॉन ने क्या करा कि अपने जो बिजनेस की ओनरशिप है दूसरे कंट्री में जो भी ओनरशिप है उनकी यूएस में उन्होंने एक एंटिटी लगा दी हमारे कंट्री में ठीक है मतलब इंडिया में उन्होंने अपने कंपनी सेटअप कर दी है तो उसको हम बोलते हैं एफडीआई ठीक है मतलब उन्होंने इंडिया में अपनी कंपनी लगाने में यहां पे मनी इन्वेस्ट करा सो दैट इज एफ तो आपको बताने डी क्या होता है एफ में तो डी होता है डायरेक्ट ठीक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एफडीआई ठीक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट देखो एन एफ एस इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलो मशीन इन इंडिया जो भी शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलो मशीन्स होती है ए टी एम का जो लार्जेस्ट नेटवर्क होता है वो एन एफ एस होता है तो आपको बताना है कि एस क्या होता है एन एफ एस में तो एस होता है स्विच ठीक है तो एन एफ एस क्या होता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच ठीक है याद रखना नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज एनएफएस हु इज दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ दी एम पी सी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है ठीक है सो ही इज गवर्नर ऑफ आर बी आई ऑप्शन सी तो जो भी आर बी आई के गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के एम पी सी में टोटल छः मेंबर होते हैं ठीक है दे आर टोटल सिक्स मेंबर्स एन एम पी सी और ये कब सेटअप हुई थी इट वॉज सेटअप इन ट्वेंटी सिक्सटीन दो हज़ार सोलह में ये सेटअप हुई थी नेक्स्ट देखो द नॉलेज प्लेटफॉर्म लॉन्च बाई ट्रांस यूनियन सिबिल इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम एस एम ई सक्षम करके एक नॉलेज प्लेटफॉर्म है लॉन्च करा था किसके साथ पार्टनरशिप करके एम एस एम ई इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सो वो था सिडबी ऑप्शन सी सिडबी इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में विच इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश नेक्स्ट देखो साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा मैप्ड हाउ कोरोना वायरस स्प्रेड इंडोर वाया एरोसोल एरोसॉल साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से जो साइंटिस्ट है उन्होंने मैप करा है कि कैसे जो कोरोना वायरस है वो इंडोर स्प्रेड हो सकता है इंडोर में वाया एरोसोल एरोसॉल मतलब एयर के थ्रू वॉट इज द नेम ऑफ द वायरस दैट कॉज द नोवल कोरोना वायरस डिजीज कौन सा वायरस का आपको नाम बताना है जो कि नोवल कोरोना वायरस डिजीज कॉज करती है सो वॉट इज द नेम ऑफ द वायरस सो दैट इज सार्स कोव टू दिस इज द नेम ऑफ द वायरस ठीक है सार्स कोव टू जिसने इस टाइम सबकी लटरली जान ली रखी है सो दिस इज द नेम ऑफ दिस वायरस नेक्स्ट देखो यक्ष गाना इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इनमें से किस स्टेट ये क्लासिकल डांस फॉर्म है यक्ष गाना सो दैट इज कर्नाटका ऑप्शन ए कर्नाटका

जाता है ट्रेजरी बल एंड कमर्शियल पेपर्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है ये दोनों मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है और भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ठीक है लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट्स एक्सेट्रा इट फॉर्म्स अ बेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी ये बेसिकली मैनेज करता है एक फॉर्म करता है मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी को और मनी को इकोनॉमी में ठीक है सो दिस इज मनी मार्केट मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है याद रखना मनी मार्केट को आर बी आई रेगुलेट करता है ठीक है और कैपिटल मार्केट को सेवी रेगुलेट करता है ये बहुत कंफ्यूजिंग इंस्टीट्यूट है, uh, है जिसने वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन बी एस सी डिग्री प्रोग्राम लॉन्च कराया है प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में सो दट इज आई आई टी मद्रासन सी आई आई मद्रास नेक्स्ट देखो

पीएम मोदी अनाउंस दी एक्सप्रेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन योजना टिल दी एंड ऑफ 2020 कौन से मंथ के एंड तक पीएम मोदी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन योजना है उसका एक्सटेंशन अनाउंस कर दिया है स्कीम का किस साल के मतलब किस मंथ के एंड तक सो दैट इज़ नवंबर 2020 सो टिल दी एंड ऑफ नवंबर ट्वेंटी सो नेक्स्ट इज विच बैंक रिसेंटली रोल्ड आउट ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स ये फार्मर्स के लिए एक ऐप है ई किसान धन ऐप ये किसने लॉन्च करा रिसेंटली सो दैट इज एच डी एफ सी बैंक ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एच डी एफ सी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में इनफैक्ट यहाँ जितने भी बैंक दिख रहे हैं आई सी सी आई एस एच डी एफ सी आर बी एल आई डी बी आई सबके हेडक्वार्टर्स मुंबई में ठीक है नेक्स्ट देखो स्विगी रिसेंटली अलॉन्च इट्स डिजिटल वॉलेट इन पार्टनरशिप विद विच बैंक स्विगी ने हाल ही में अपना एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च कराया है इनमें से किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके सो so, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक ठीक है ऑप्शन ए ठीक अगेन आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में और इन सारे ही ये जो बैंक हैं इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है एस बी आई महिंद्रा एंड एच डी एफ सी नेक्स्ट देखो व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ किल कोरोना कैंपेन फ्रॉम जुलाई 1 टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन द स्टेट स्टेट में कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जिसने लॉन्च करा किल कोरोना कैंपेन जुलाई 1 से सो दैट इज मध्य प्रदेश ऑप्शन ई किल कोरोना ठीक है नॉट गो कोरोना किल कोरोना नेक्स्ट देखो

तो नेक्स्ट देखो हाउ मच अमाउंट ऑफ असिस्टेंस हैज बीन अप्रूव बाय द वर्ल्ड बैंक अंडर द स्टार्स इनिशिएटिव फॉर सिक्स इंडियन स्टेट जो एक स्टार्स इनिशिएटिव है छह इंडियन स्टेट्स के लिए उसमें वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट कितना असिस्टेंस वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा सो दैट इज फाइव हंड्रेड मिलियन यूएस डॉलर ठीक है फाइव हंड्रेड मिलियन यूएस डॉलर स्टार्स का फॉर्म देख लो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम दिस इज स्टार्स ठीक है और छह इंडियन स्टेट्स कौन कौन सी है हिमाचल प्रदेश केरला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ओडिशा एंड राजस्थान सो दीज आर द सिक्स इंडियन स्टेट्स नेक्स्ट देखो एम एस एस एज अ मॉनिटरी पॉलिसी इंटरवेंशन बाय आर बी आई टू विदड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द इकनॉमी सो एम एस एस क्या है ये एक मॉनिटरी पॉलिसी इंटरवेंशन है आर बी आई का जिससे वो जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है उसको वो विदड्रॉ करते हैं बाई सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी मतलब जब भी उनको लगता है कि मार्केट में इकनॉमी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं मनी को विद्रॉ करने के लिए तो आपको बताना है एम एस एस का एब्रीविएशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम बिकॉज बाई दिस आर स्टेबिलाईजिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट तो उससे याद रखना मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम इज एमएसएस नेक्स्ट देखो आर बी आई डी आई बी आर डी इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स लोन टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज वॉट डज आर रेफर्स टू इन आर बी आर डी आई बी आर डी क्या है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन ऑफर करता है मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को तो आपको बताना है आर क्या है आई बी आर डी में तो आर है रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शन सी ठीक है सो आई बी आर डी का फुलफॉर्म क्या है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट

आई एफ एस सी का पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ठीक है ये याद रखना अच्छा आई एफ एस सी को इलेवन डिजिट में ये भी आ सकता है कि कौन सी डिजिट क्या रिप्रेजेंट करती है तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ जैसे ये आपका कोड है एस बाई एस बी आई एन मतलब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मतलब स्टार्टिंग के जो फोर कैरेक्टर होते हैं फोर अल्फ़ाबेट होते हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस बैंक का है फिफ्थ जो होता है वो जीरो होता है दैट इज़ स्टैटिक और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि आई में फिफ्थ जीरो किस पोजिशन पे होता है या फिर फिफ्थ पे क्या होता है तो याद रखना दैट इज स्टैटिक विच इज़ जीरो और लास्ट के फिर छह डिजिट्स जो भी होती हैं फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ भी ऐसे ले लिया जीरो ज़ीरो सिक्स थ्री फोर सिक्स ये ये आपकी ब्रांच को ये ब्रांच कोड होता है मतलब एस बी आई की ये ब्रांच है तो ये ब्रांच कोड डिटरमाइन करता है तो स्टार्टिंग के फोर अल्फाबेट तो बताते हैं कि बैंक कौन सा है जीरो होता है फिफ्थ आपको और लास्ट के सिक्स बताते हैं कि ब्रांच कोड क्या है नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अ वेर हाउस कॉम्युडिटी फाइनेंस ने लॉन्च करा है वेयर हाउस कॉम्युडिटी फाइनेंस एच डी एफ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एस बी आई का हेडक्वार्टर मुंबई में है पी एन बी का न्यू डेली में है आईसीआईसीआई का मुंबई में है एच डी एफ सी मुंबई एच एस बी सी का लंडन में है ठीक है लंडन यूके एच एस बी सी इज अ फॉरिन बैंक ठीक पी एन बी इज पंजाब नेशनल बैंक नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द फ़र्स्ट म्यूज़ियम ऑन गंगा डेडिकेटेड टू शोकेस द कल्चर बायोडायवर्सिटी एंड रेजुवेनेशन एक्टिविटीज़ डन इन गंगा रिवर गंगा रिवर पे जो भी कल्चर बायो डाइवर्सिटी और रेजुवेनेशन एक्टिविटीज़ होती है उनको शोकेस करने के लिए पहला म्यूज़ियम कौन सा है जो कि गंगा पे पूरा डेडिकेट करा गया है ऑफ़ द फर्स्ट म्यूजियम ऑन गंगा सो दैट इज़ गंगा अवलोकन ऑप्शन ए गंगा अवलोकन नेक्स्ट देखो रिसेंटली जी फोर कंट्रीज कॉल फॉर अ डिसिसिव पुश फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स हाल ही में जी फोर कंट्रीज ने मतलब डिसिसिव पुश के लिए बोला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स में तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंट्री है हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ जी फोर ठीक है सो दैट इज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ जी फोर बाकी कौन कौन से हैं इंडिया है ब्राजील है जापान है एंड जर्मनी दीज आर द फोर कंट्रीज इन जी फोर याद रखना इंडिया ब्राज़ील जापान एंड जर्मनी नेक्स्ट देखो द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स टू इन शॉप प्रॉम्ट एंड हेसल फ्री पब्लिक सर्विस डिलीवरी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसमें वो प्रॉम्ट और हेसल फ्री पब्लिक सर्विस डिलीवरी करेंगे सो दैट इज जन अभियान द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज जन अभियान ऑप्शन सी नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द आउटपुट ऑफ एट कोर सेक्टर्स डिक्लाइन बाय हाउ मच परसेंट इन जून जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डेटा रिलीज करा है उस हिसाब से जो आउटपुट है एट कोर सेक्टर्स का कोर इंडस्ट्रीज का वो कितना परसेंट डिक्लाइन कर चुका है कितना परसेंट गिर गया है जून में सो दैट इज डिक्लाइन बाई फिफ्टीन ऑप्शन बी ठीक है टोटल आठ कोर इंडस्ट्री या आठ कोर सेक्टर्स होते हैं उन्हें याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कोल क्रूड ऑयल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सीमेंट स्टील फर्टिलाइजर पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस तो दीज आर द एट कोर सेक्टर्स नेक्स्ट देखो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं सो ही है शशिधर जगदीशन ही बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ एच डी एफ सी बैंक आदित्य पुरी उनसे पहले नए सीईओ थे जिनका टर्म अक्टूबर 2020 में खत्म हो रहा है ठीक है नेक्स्ट देखो पीएम मोदी हैज रिसेंटली रिलीज द सिक्स इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउ मच करोड़ अंडर पीएम किसान स्कीम पीएम किसान स्कीम के अंडर पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने इंस्टॉलमेंट रिलीज करा है कितने करोड़ का सो दैट इज वन सेवन वन जीरो जीरो करोड़ ऑप्शन डी ठीक है इतना करा है पीएम किसान स्कीम में क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनको छः हजार दिए जाएंगे एनुअली तीन इंस्टॉलमेंट्स में ठीक है थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उनको एनुअली सिक्स थाउजेंड दिए जाएंगे इस स्कीम के अंदर नेक्स्ट देखो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020 ट्वेंटी द फार्म मैकेजेशन इन इंडिया स्टैंड एट अबाउट हाउ मच ठीक है इकोनॉमिक सर्वे 2020 के हिसाब से जो फार्म मैकेनाइजेशन है इंडिया में वो कितना है ठीक है सो दैट इज 42 टू फोर्टी परसेंट ऑप्शन ए इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट बोथ आर इंपॉर्टेंट हालांकि दोनों को एक साल होने को आ रहा है बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं कि आ सकते हैं सो नेक्स्ट डे को फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च एन ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारामन है करंटली उन्होंने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च करा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए हाउ मच अमाउंट वॉज एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट एज अनाउंस बाय द मिनिस्टर इन द बजट बजट में जैसे अनाउंस कराता है मिनिस्टर ने तो उस प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट एलोकेट करा गया है सो दैट इज हंड्रेड लैख करोड़ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हंड्रेड लैख करोड़ नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज लॉन्च अ पोर्टेबल एंड्रॉइड बेस्ड पीओएस डिवाइस रिसेंटली इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पोर्टेबल एंड्रॉइड बेस्ड पीओएस डिवाइस रिसेंटली लॉन्च की है सो दैट इज पेटीएम ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर पेटीएम पेटीएम का हेडक्वार्टर याद रखना नोएडा में है इट इज इन नोएडा नेक्स्ट देखो द लार्जेस्ट एवर लोन पैकेज अमाउंटिंग टू थ्री पॉइंट वन बिलियन डॉलर फॉर बांग्लादेश प्रोवाइडेड ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जेस्ट एवर लोन पैकेज है जो कि बांग्लादेश को मिला है ठीक है थ्री पॉइंट वन बिलियन डॉलर का वो किस कंट्री ने इनमें से किस कंट्री ने प्रोवाइड करा है बांग्लादेश को सो दैट इज जापान ऑप्शन डी इज जापान ठीक है बांग्लादेश के कैपिटल है ढाका एंड बांग्लादेश की करेंसी याद रखना दैट इज टका टी ए टका ठीक है नेक्स्ट देखो फिनो पेमेंट बैंक इज हेड हेडक्वार्ट इन मुंबई वॉट डेफर्स टू इन फिनो फिनो पेमेंट बैंक का हेड क्वार्टर मुंबई में है तो आपको बताना है कि आई क्या होता है फिनो में ठीक है सो इसका भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है तो आई होता है इंक्लूजन ऑप्शन डी इंक्लूजन ठीक है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बेसिकली पेमेंट बैंक और स्मॉल पेमेंट बैंक को सेटअप करा गया था तो उससे याद रखना फिनो इंक्लूजन नेटवर्क ऑपरेशन ठीक है फीनो फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ऑपरेशन नॉट फिनो सॉरी नेक्स्ट देखो सीपी इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इज एन अनसिक्योर प्रोमिस नोट विदिक्सड मे्योरिटी ऑफ नॉट मोर देन 364 सिक्सटी डेज वॉट इज द एब्रीविएशन ऑफ सी इन सीपी अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था अगर आपको याद हो मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल के साथ ही आया था सीपी एक बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि अनसिक्योर प्रोमिस नोट है याद रखना दिस इज एन अनसिक्योरिटी अनसिक्योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसका फिक्स मेच्योरिटी पीरियड थ्री डेज तक का है मतलब थ्री साल से ज्यादा का नहीं है तो आपको बताने कि सी क्या होता है सीपी में तो सी होता है कमर्शियल पेपर मतलब सी होता है कमर्शियल सीपी का पूरा फुल फॉर्म है कमर्शियल पेपर दिस इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट देखो इंडिया सेट टू रिसीव अ फंडिंग ऑफ थर्टी मिलियन डॉलर फ्रॉम कोरलॉजिक्स द कंपनी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया को थर्टी मिलियन डॉलर की फंडिंग रिसीव होगी एक कंपनी है जिसका नाम है कॉर लॉजिक्स ठीक है तो आपको बताना है कि ये कंपनी किस कंट्री की बेस्ड है ठीक है सो इट इज बेस्ड इन इजराइल ऑप्शन बी सो दिस इज एन इजराइल बेस्ड कंपनी और थर्टी मिलियन डॉलर भी याद रखना ठीक है नेक्स्ट देखो पीएम मोदी है सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ कनेक्टिंग ऑल विलेजेस इन इंडिया बाय ऑप्टिकल फाइबर केबल इन द नेक्स्ट हाउ मेनी डेज नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक एंबिशियस टारगेट सेट कराया है जिसमें वो इंडिया के सारे विलेजेस को कनेक्ट करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल से अगले कितने दिनों में सो इन द नेक्स्ट 1000 डेज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है 1000 डेज नेक्स्ट देखो हु एज अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग इंडिया बुल्स हाउसिंग के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं सो ही इज एस एस मुन्द्रा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एस एस मुंद्रा एस एस मुन्द्रा जो है वो फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं आर बी आई के ठीक है नेक्स्ट देखो द वन मिलियन प्रोजेक्ट लॉन्च इन द डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा फॉर स्किलिंग वुमेन इन द हाउसिंग सेक्टर इज इम्प्लीमेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एक मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट है जो कि महाराष्ट्र और उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करा गया है जिसमें वुमेन है उनको स्किल करा जाएगा हाउसिंग सेक्टर में तो आपको बताया ना इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसने इसको इम्प्लीमेंट करा सो द आंसर इज ऑप्शन बी हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया दिस इज ऑर्गेनाइजेशन हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया इसमें वन मिलियन यूरोज याद रखना साथ ही साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र और उड़ीसा के नेक्स्ट देखो जन बचत खाता विच इज जे बी के इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ठीक है अभी हमने इस बैंक के बारे में डिस्कस करा था मैं आपको बस हल्का सा हिंट दे रही हूँ आंसर बताओ सो दैट इज फीनो पेमेंट बैंक ठीक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बताया था मुंबई में लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में कॉटैक महिंद्रा मुंबई आईसीआईसीआई मुंबई अभी डिस्कस करा और एच डी एफ सी मल्टीपल टाइम्स मुंबई विच इज द फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू हैव लॉन्च द ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम फॉर स्ट कॉरपोरेट क्लाइंट्स इनमें से कौन सा पहला फॉरन बैंक है इंडिया का जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च करा है अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए सो दैट इज HSBC बैंक ठीक है उस बैंक का नाम है एच एस बी सी बैंक फ, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम यानी कि इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करा जाएगा ठीक है बेसिकली इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स इसमें आएंगे जैसे कि रेन्यूएबल एनर्जी इस तरीके के एच एस बी सी का फुल फॉर्म है हांगकॉन्ग शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन दिस इज द फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर अभी बताया था तो इट इज इन लंडन तो कन्फ्यूज मत होना कि चाइना या हांगकॉन्ग में लंडन में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है नेक्स्ट देखो विच ऑफ़ द फॉलोइंग भी द ऑफिशियल जम्मू एंड कश्मीर एज पर दफिशियल लैंग्वेजेस बिल ट्वेंटी ट्वेंटी आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जम्मू कश्मीर की एज पर दे एंड के ऑफिशियल बिल ट्वेंटी ट्वेंटी के हिसाब से सो दैट विल बी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सी ठीक है हिंदी कश्मीरी डोगी एंड इंग्लिश दीज फोर आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ठीक है नेक्स्ट देखो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर फाइव एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग हर साल पांच सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है तो आपको बताना है कि किसकी डेथ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करके ये मनाया जाता है सो शी इज मदर टेरेसा ऑप्शन डी ठीक है मदर टेरेसा नेक्स्ट देखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ हंड्रेड मिलियन टन गोल्ड गैसिफिकेशन बाई विच ईयर जो गवर्नमेंट है इंडिया की उन्होंने हंड्रेड मिलियन टन गोल्ड गैसिफिकेशन का टारगेट सेट करा है इनमें से किस ईयर तक सो दैट इज ट्वेंटी थर्टी ऑप्शन ई दो हजार तीस सो नेक्स्ट है इंडिया विल होस्ट समिट ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन 2020 ट्वेंटी नवंबर तो इंडिया जो है वो होस्ट करेगा एस सी ओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट को 2020 ट्वेंटी नवम्बर में एस सी ओ में यानी कि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो आपको बताना है कि इंडिया फुल टाइम मेंबर कब बना था एस सी ओ का वेंडेड इंडिया बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ एस सी ओ सो इंडिया बिकम इन ट्वेंटी सेवनटीन दो हजार सत्रह में बनाता ठीक है और ये नाइनटीन समिट होगी जो इंडिया होस्ट करेगा तो एडिशन याद रखना नाइनटीन नेक्स्ट देखो थवारचंद गहलोत लॉन्च और ट्वेंटी फोर बाई टोल फ्री मेंटल हेल्थ रीहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर नेम थवरचंद गहलोत जो है जो कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च करा एक ट्वेंटी फोर बाई सेवन टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर जिसका नाम क्या है तो उसका नाम है किरण ऑप्शन ई किरण विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट परफॉर्म वर्स्ट इन द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सी स्टेट है जिसने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है सो दैट इज्शन सी ठीक तो याद रखो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में कौन कौन सी है लास्ट थ्री झारखंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ और टॉप फाइव स्टेट्स हैं ऑफ वेलबींग ऑफ चाइल्ड वो भी याद रखो कि टॉप फाइव स्टेट कौन सी हैं तो वो है केरला गोवा त्रिपुरा तमिलनाडु एंड मिजोरम ठीक है नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैज बिकम द फर्स्ट वन टू बी रिगार्डेड एज अ फुल्ली डिजिटल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का जो कि पहला फुल्ली डिजिटल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट बना है सो दैट इज वृद्धनागर ठीक है वृद्धनागर ये पहला फुल्ली डिजिटल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट बना है तमिलनाडु का नेक्स्ट देखो कर्नाटका हैजंस्डर शेड प्रोजेक्ट फॉर द स्टेट विद एन आउटले ऑफ सिक्स हंड्रेड करोड़ कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस करा एक वाटर शेड प्रोजेक्ट स्टेट के लिए जिसका आउटले है टोटल छह सौ करोड़ सिक्स हंड्रेड करोड़ इट इज बींग फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन तो इस प्रोजेक्ट को एक तो स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी और साथ में कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो फंड करेगा सो दैट विल बी वर्ल्ड बैंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वर्ल्ड बैंक नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट थर्टी सिक्स रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पेसिफिक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इनमें से कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी थर्टी सिक्स एडिशन रीजनल कॉन्फ्रेंस का फॉर एशिया एंड द पेसिफिक किसका एफ ए का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का याद रखना पहली बार ये होस्ट करेगी ठीक है सो दैट इज बांग्लादेश ऑप्शन सी अभी हमने डिस्कस करा था कि बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका एंड इसकी करेंसी है टका ठीक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है

सो नेक्स्ट डे को विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम और इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 का थीम बताना है तो वो है ऑप्शन ए लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड 19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड दिस इज द थीम ठीक है और ये कब होता है ये हर साल एट सेप्टेम्बर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे नेक्स्ट देखो विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश ने इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के लोन साइन करा है एटी टू मिलियन डॉलर का याद रखना एटी टू मिलियन डॉलर सो दैट इज वर्ल्ड बैंक अगेन वर्ल्ड बैंक ऑप्शन सी सो नेक्स्ट स्टेप विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल पे बीमा इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल पे बीमा लॉन्च करा है सो दैट इज ऑप्शन बी महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स ठीक है महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स नेक्स्ट देखो रिसेंटली ई एन बेल अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हेलिंग फ्रॉम इंग्लैंड अनाउंस डिज रिटायरमेंट ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हाल ही में ई एन बेल जिनको एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है इंग्लैंड से उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है तो आपको बताना है कि वो इनमें से किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे सो यू वॉज एसोसिएटेड विद क्रिकेट सो यू वॉज अ क्रिकेटर फ्रॉम इंग्लैंड नेक्स्ट देखो भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंधाना विल वन नेम ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना इनमें से किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसिडर बने हैं याद रखना दे बोथ आर क्रिकेटर्स ठीक है दोनों ही क्रिकेटर्स हैं तो वो बने हैं प्लेयर स्पॉट प्लेयर स्पॉट के ये ब्रांड एम्बेसडर बने नेक्स्ट देखो ई गोपाला एप वॉज लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली अभी नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है ई गोपाला ऐप हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर द बेनिफिशरीज ऑफ द ऐप बेसिकली इस ऐप को किसको बेनिफिट मिलेगा इस ऐप से सो इट इज ऐप फॉर फार्मर्स मीन्स फार्मर्स विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस ऐप ऑप्शन ए नेक्स्ट देखो विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की है सो दैट इज कर्नाटका ऑप्शन डी कर्नाटका नेक्स्ट देखो साउथ इंडिया इंडिया की पहली किसान रेल फ्लैग ऑफ की गई है ठीक है द फर्स्ट किसान रेल रन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो जो पहली किसान रेल है वो किन दो स्टेट्स के बीच में चलेगी सो महाराष्ट्र एंड बिहार ऑप्शन सी महाराष्ट्र और बिहार के बीच में ये रेल चलेगी ठीक okay? है नेक्स्ट देखो विच ऑफ द द फॉलोइंग स्टेट बेस्ट परफॉर्मर इन गवर्नमेंट स्टार्टअप रैंकिंग 2020, गवर्नमेंट की स्टार्टअप रैंकिंग 2020 में कौन सी स्टेट बेस्ट परफॉर्मर को कौन सी स्टेट को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है सो दैट इज गुजरात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गुजरात ठीक है और गुजरात को इनको किस बेसिस पे इसको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है मतलब किस बेसिस पे ये रैंकिंग हुई है ये भी देख लो तो सात चीजों को इसमें फोकस करा गया है सात चीजों के ऊपर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ईजिंग कंप्लायसेस रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रोक्रमेंट नॉर्म्स इंक्यूबेशन सपोर्ट सीडिंग फंडिंग सपोर्ट वेंचर फंडिंग सपोर्ट एंड अवेयरनेस एंड आउटरीच सो दीज आर दैवन जैस के सेवन बेसिकली टर्म्स इनके बेसिस पे गुजरात को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है इंडिया फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी वॉन्च एट इंडिया का पहला कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च करा गया है तो वो करा गया है डेली में ऑप्शन बी डेली का एयरपोर्ट जो है आई जी आई विच इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो की डेली का है वहाँ पे उसके टी थ्री टर्मिनल पे जो की मतलब उसका इंटरनेशनल टर्मिनल है बेसिकली तो नेक्स्ट ऑफ दॉन्च द स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंगज इन द स्टेट तो इनमें से कौन से स्टेट ने लॉन्च करा है स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम जिसमें वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करेंगे अपने स्टेट में वन पॉइंट फोर वन करोड़ बेनिफिशरीज को सो दैट इज पंजाब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर पंजाब नेक्स्ट देखो अमेरिका कमर्शियल कार्गो स्पेस क्राफ्ट एनजी फोर्टीन सिग्नस वॉज नेम्ड आफ्टर हु अमंग द फॉलोइंग अमेरिका का कमर्शियल कार्गो स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है एन जी सिग्नस वो किसके नाम पे रखा गया है सो शी इज नन अदर देन कल्पना चावला ऑप्शन बी सबकी आइडियल सबकी फेवरेट सबकी इंस्पिरेशन कल्पना चावला शी इज द फर्स्ट इंडियन वूमेन जो कि स्पेस पे गई थी ठीक है एंड शी यूज टू वर्क इन नासा नासा विच इज इन अमेरिका ठीक है नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड फॉर इंडिविजुअल्स मेंटेनिंग एन एवरेज क्वार्टरली बैलेंस ऑफ रुपीज टेन लैक्स एंड एब इनमें से कौन सा बैंक है जिसने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च करा है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि एवरेज क्वार्टरली बैलेंस टेन लैक्स और एबव से टेन लैक्स या उससे ज्यादा मेंटेन करेंगे सो दैट इज बैंक ऑफ इंडिया ठीक है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में इनफैक्ट जितने भी बैंक है इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है एस बी आई आईसीआईसीचडीएफसी नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दीसेंटली पॉलिसी टू द गोल ऑफ बिकमिंग अ ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी आपको पता है इंडिया का गोल है टू बिकम अ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तो इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने एक आई टी पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें वो थर्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी इस गोल के टुवर्ड्स सो दैट इज कर्नाटका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कर्नाटका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वेन इज दी इंटरनेशनल इंटरनेशनल जुलाई नेक्स्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ जी डी पी बाई विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एम कर रही है कि वो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ जी डी पी विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस ईयर तक सो दी ट्वेंटी फाइव ऑप्शन डी दो हजार पच्चीस तक नेक्स्ट देखो विच यूनियन ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर विद सेप इंडिया टू मूव द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यंग पीपल जो यंग पीपल है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी इनमें से यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सैप इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेगी ठीक है सो वो है यूनिसेफ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यूनिसेफ यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ठीक है सो नेक्स्ट देखो विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च साइब एचईआर वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन टू टैकल साइबर क्राइम अगेंस्ट वेमेन एंड चिल्ड्रन जो भी साइबर पर क्राइम होते हैं वेमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट उनको टैकल करने के लिए कौन सी स्टेट पुलिस है जिसने साइब हर वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन करके लॉन्च करा है सो दैट इज तेलंगाना ऑप्शन ई तेलंगाना सो नेक्स्ट देखो को पोबर रिजर्व फॉरेस्ट विल बी अपग्रेडेड टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोबर रिजर्व फॉरेस्ट है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया जाएगा तो आपको बताना है कि पोबर रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है सो इट इज लोकेटेड इन असम ऑप्शन बी असम सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट साइन एन एमओयू विद आई आई टी रोपर फॉर स्किल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन कराए आई आई टी रोपर के साथ सो दैट इज पंजाब गवर्नमेंट ठीक है ऑप्शन बी पंजाब हु अमन द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विद द ट्वेंटी ट्वेंटी नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी नोबल प्राइज किसको मिला है फिजिक्स में ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर है ऑल ठीक है ऑल ऑफ द अबव रॉजियोर गेज रीन हार्ड गेंजल एंड एंड्रिया पेनरोज ठीक है सो so, ये देखो रॉजर्ट पेंड्रोस को मेरे को तो मिला है फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ अर्स प्रोडक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रीनहार्ड हार्ट गेंजल एंड एंड्रिया गेस को मिला है डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अ गैलेक्सी ठीक है इनको फिजिक्स के लिए मिला है अब इसको याद कैसे कर सकते हैं तो ट्रिक से याद करना इंपॉर्टेंट है एक चीज और की सबसे अच्छी बात ऑब्जेक्टिव में यही होती है कि आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है आप ट्रिक से जब याद करोगे ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा देखते ही सो एंड्रिया को रोज देना बहुत बहुत हार्ड था ठीक है एंड्रिया सम नेम एंड्रिया को रोज देना बहुत हार्ड था ठीक है सो so, जैसे कि फिजिक्स हार्ड होती है ठीक है जैसे कि काफी लोग को फिजिक्स हार्ड लगती है वैसे एंड्रिया को रोज देना काफी हार्ड था ठीक है तो उससे आप याद कर सकते हो और याद रखना कि नोबेल प्राइज जो होता है वो छह फील्ड्स में दिया जाता है ठीक है इट इज प्रेजेंटेड इन सिक्स फील्ड्स कौन कौन सी होती हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी और मेडिसिन नोबेल पीस प्राइज पीस हो गया इकोनॉमिक्स हो गया एंड लास्ट इज योर नोबेल नोबेल प्राइज इन लिटरेचर यानी कि लिटरेचर तो ये हो गई छह फील्ड टोटल नेक्स्ट देखो तो वो मिला है ऑप्शन बी uh, अब इसको कैसे याद कर सकते हो देखो लिटरेचर जो है इंग्लिश से रिलेटेड है इंग्लिश जो आपका बैंक में एक सेक्शन आता है राइट बैंक इंश्योरेंस के एग्जाम में और जिससे काफी बच्चे डरते भी है उन्हें लगता है की कि हम कितनी भी इंग्लिश पढ़ने ना सब कुछ लक पर डिपेंड करता है एल यू सी के लक तो यहाँ से आप उसको याद रख सकते हो ट्वेंटी ट्वेंटी नॉबेल

सो so, वो मिला है ऑल ऑफ द हार्वे जे एल्टर चार्ल्स एम राइस एंड एम हॉगटन ठीक है अब इसको याद कैसे करोगे देखो मैं अलग अलग बताऊंगी होंगटन को ठीक है तो एच को इफ यू रिप्लेस बाय सी सो यू कैन सी कफ कुछ कफ जैसा साउंड कर रहा है एंड कफ ऑब्वियसली इज रिलेटेड टू मेडिसिन ठीक है कफ जब होता है यू नीड मेडिसिन चार्लस एम राइस को आप कैसे याद करोगे राइस जो होता है ना दैट इज चावल हिंदी में वो काफी जगह मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में यूज होता है ठीक है सो अगेन मेडिसिन हार्वे जे हार्वेज हार्वे जे एल्टर को कैसे याद करोगे तो दैट्स कंप्लीटली वे जे जो होता है दैट इज कॉल्ड जुकाम ठीक है जैसे आप जुकाम याद रख सकते हो जुकाम यानी कि कोल्ड ठीक है इंग्लिश में जुकाम को हम कोल्ड बोलते हैं तो अगेन कोल्ड विच इज रिलेटेड टू मेडिसिन आप क्या लोगे कोल्ड में आप मेडिसिन लोगे राइट right? सो so आप इसको ऐसे याद रख सकते हो देखो ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से कौन सा सेंट्रल बैंक है जिसको ट्वेंटी ट्वेंटी का अवार्ड मिला है वो है है बैंक ऑफ घाना ठीक ऑप्शन बैंक ऑफ घाना को मिला है जो कि घाना का सेंट्रल बैंक है इंडिया का सेंट्रल बैंक हम सभी जानते हैं आरबीआई है विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है फेडरल रिजर्व जो है ये सेंट्रल बैंक है आपका इसका यूएस का ठीक है याद रखना फेडरल रिजर्व यूएस का सेंट्रल बैंक है ट्यूबर कलॉसेज नोटिफिकेशन इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी हैज कम डाउन बाई हाउ मच परसेंट इन इंडिया एज पर अ रिसेंट डब्ल्यू एच ओ रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से ट्यूबर कलॉसेज नोटिफिकेशन जो है ट्वेंटी ट्वेंटी का वो कितना परसेंट डाउन आ चुका है इंडिया में सो दैट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑप्शन सी पच्चीस परसेंट ठीक है नेक्स्ट देखो द फोक एंड लाइट म्यूजिक कॉन्सर्ट जश्न हरुद व्हिच प्लेस एक फोक और लाइट म्यूजिक कॉन्सर्ट है जिसका नाम है जश्न हरुद वो अभी हाल ही में किस स्टेट में हुआ था मतलब किस जगह में हुआ था नॉट स्टेट सो दैट इज श्रीनगर ऑप्शन डी श्रीनगर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है जम्मू कश्मीर के करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा ठीक है याद रखना नेक्स्ट देखो द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च एन ऑनलाइन डैशबोर्ड टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एन एम आई एस वॉट इज आई इन एन एम आई एस स्टैंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च करा है जिसमें वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके मूवमेंट को मॉनिटर करेंगे ठीक है तो उसका नाम क्या है डैशबोर्ड का एन एम आई एस तो आपको बताना आई क्या है एन एम आई एस में तो आई इज इंफॉर्मेशन ठीक है ऑप्शन बी तो क्या है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्योंकि मॉनिटर करेंगे ना इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उससे याद रखना इन्फॉर्मेशन और माइग्रेंट के लिए है सो माइग्रेंट वर्कर्स uh, के लिए सो माइग्रेंट तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो ठीक है AIIB is a bank that aims to support the building of infrastructure in the Asia Pacific region. It has total how many approved members? AIIB अप्रूव मेंबर्स ए आई आई बी एक ऐसा बैंक है जो कि जिसका एम है टू सपोर्ट द बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एशिया पैसिफिक रीजन एशिया पैसिफिक रीजन में तो उसमें बताना आपको कि टोटल कितने अप्रूव मेंबर्स हैं ए आई आई बी में सो टोटल मेंबर्स हैं अप्रूव मेंबर्स हैं ऑप्शन ई हंड्रेड एंड टू वन जीरो टू ए आई आई बी इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में विच इज इन चाइना नेक्स्ट देखो मॉलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट मॉलम नेशनल पार्क जो है वो इनमें से किस इंडियन स्टेट में है सो दैट इज इन गोवा ऑप्शन ई ये गोवा में है ठीक है नेक्स्ट देखो हुज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं जे एंड के बैंक के सो ही इज ऑप्शन ए राजेश कुमार छिब्बर ठीक है राजेश कुमार छिब्बर अपॉइंट हुए हैं फ्लिपकार्ट टाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज टू ऑफर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस डिजिटल मोटर इंश्योरेंस ऑफर करने के लिए फ्लिपकार्ट ने इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करा सो दैट इज बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन बी

इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में और कोटेक महिंद्रा का है मुंबई में सो नेक्स्ट है व्हाट वाज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सेकंड में ट्वेंटी को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी सेलिब्रेट कराया जाता है तो आपको उसका थीम बताना है तो थीम नेचर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आर सोल्यूशन आर इन नेचर नेक्स्ट देखो थीम बताना है वर्ल्ड बी डे का ठीक है जो कि सेलिब्रेट होता है ट्वेंटी मे को हर साल ट्वेंटीएथ मे को वर्ल्ड बी डे बनाया जाता है उसका थीम बताना है सो द आंसर इज ऑप्शन डी सेव द बीस ठीक है नेक्स्ट देखो वेस को नार्क टेम्पल वेयर द सेंटर इज प्लानिंग टू तो कंप्लीटली सोलराइज लोकेटेड सेंटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज प्लानिंग की जो कौन टेम्पल है उसको कम्प्लीटली सोलराइज कर दिया जाए तो आपको बताना है कि ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है तो ये टेम्पल है ओडिशा में ऑप्शन ई ओडिशा तो इस तरीके से आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली जो भी आपका करंट न्यूज में चल रहा होता है फॉर एक्जाम्पल कौनाक टेम्पल तो उससे एक आपका स्टैटिक जीके का इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ठीक है यूनियन एच आर डी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल रिलीज थ्री हैंड बुक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगी मिनिस्टर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल उन्होंने तीन हैंडबुक रिलीज की हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो हैंड बुक नहीं है सो दैट इज ऑप्शन सी एडॉप्ट एंड एक्सल एस सी बी एस ई दिस इज नॉट द वन विच ही रिलीज तीन रिलीज जो किए वो है साइबर सेफ्टी आ हैंडबुक फॉर स्टूडेंट इन परस एक्सिलेंस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स तो ये तीनों हैंड बुक याद रखना नौमी ओसाका साका बिकम्स द वर्ल्ड हाइएस्ट पेड फीमेल एथलीट नौमी और वर्ल्ड की हाइएस्ट पेड फीमेल एथलीट बनी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स शी इज रिलेटेड टू वो आपको बताना है कि वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है सो शी इज एसोसिएटेड विथ टेनिस ऑप्शन डी टेनिस और ये जापान से है याद रखना शी इज फ्रॉम जापान. जैगल अब पेमेंट कंपनी पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन जैगल एक पेमेंट कंपनी है उसने इनमें से किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशंस को लॉन्च करने के लिए सो दैट इज वीजा ऑप्शन ई वीजा के हेडक्वार्टर है यूएसए में ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका Which of the following countries is the world's first to launch the contact tracing app developed by Google and Apple? इनमें से पहला country कौन सा बना है world का जो कि launch करेगा contact tracing app जो कि Google और Apple ने develop करा है याद रखना Google and Apple developed this. So that is Switzerland. Option C, Switzerland. Switzerland की capital है Bern. ठीक है बी ई आर इन बर्न और इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक ठीक है स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है Which of the following states recently signed MOUs with companies worth 15,000 crore to generate 47,000 jobs? In में से कौन से state है जिसने MOU sign करे company के साथ जिसमें वो 15,000 crore rupees का जिसमें investment करा है जिसमें वो 47,000 jobs generate करेगी? So that is Tamil Nadu. Option A, e, Tamil Nadu. मारुति सुजोकी टाइजअप विच चलोमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एंड लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव सो मारुति सोजोकी ने चलोमंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के साथ टाइप करके कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च करा है सो दैट इज बाई नाओ पे लेटर ऑप्शन बी बाई नाउ पे लेटर यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च दिन ए आई पोर्टल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द यूथ ऑफ अर कंट्री ए आई रेडी यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने एक ए आई पोर्टल लॉन्च करायाल इंटेलिजेंस पोर्टल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द यूथ ऑफ अर कंट्री ए आई रेडी जिसमें वो यूथ को हमारे कंट्री के जो यूथ है उनको ए आई रेडी करना चाह रहे हैं ठीक है सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल ए आई फॉर यूथ आंसर ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबल ए आई फॉर यूथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी ऐप रोजगार सेतु टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लेबरर्स लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है रोजगार सेतु सो दैट इज मध्य प्रदेश ऑप्शन ए एम पी गवर्नमेंट ने कराए

सो नेक्स्ट है किशोर प्रोडक्ट अंडर मुद्रा कवर्स लोन अबव फिफ्टी थाउजेंड एंड टू हाउ मच किशोर प्रोडक्ट जो कि मुद्रा के अंदर एक प्रोडक्ट है ठीक है वो लोन कवर करता है पचास हजार से लेके कितने तक के सो इट कवर्स लोन अप टू फिफ्ट अब फिफ्टी थाउजेंड एंड फाइव लैख ठीक है तो मुद्रा में तीन बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं पहला तो है शिशु जो कि लोन कवर करते हैं अपटू फिफ्टी थाउजेंड देन किशोर सॉरी दिस इज तरुण नॉट किशोर किशोर कवर करता है फिफ्टी से लेके फाइव लैख ले, और फिर आपका आता है तरुण ठीक है नॉट किशोर तरुण जो कि पांच से दस लाख फाइव लैख टू टेन लैख तो मैक्सिमम लोन लिमिट जो है मुद्रा में दैट इज टेन लैख ठीक है मुद्रा का फुल फॉर्म भी देख लो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री एजेंसी इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है

नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट मनी मार्केट इन इंडिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन ठीक है इनमें से कौन सा है जो मनी मार्केट को रेगुलेट करता है हमारे कंट्री में सो दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन ए मैंने बताया था मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होते हैं और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होते हैं तो मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है और कैपिटल uh, को सेविंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया

विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आर बी आई एक्ट प्रोवाइड सेंट्रल बैंक द अथॉरिटी टू प्रिंट करेंसी नोट इनमें से कौन सा सेक्शन है आरबीआई एक्ट का जो की सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी देता है कि वो करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है ठीक है सो दैट इज सेक्शन ट्वेंटी टू ऑप्शन सी सेक्शन ट्वेंटी टू सेक्शन आर इंपॉर्टेंट ठीक है जो एक्ट है सेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट देखो सेफ पे इज लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डिजिटल फैसिलिटी कॉन्टेक्ट लेस डेबिट कार्ड पेमेंट्स ऑन एन एफ सी टेक्नोलॉजी सेफ पे जो है वो लॉन्च करा गया है किस बैंक ने मतलब इसको लॉन्च करा है जो कि एक डिजिटल फैसिलिटी है जो कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड पेमेंट अलाउ करेगी एन एफ सी टेक्नोलॉजी पे ठीक है सो दैट इज आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक ऑप्शन ए ठीक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सी ओ है वी वैद्यनाथन हेडक्वार्टर इसका मुंबई में आईडीएफसी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीज याद रखना ठीक है काफी लोग इंडस्ट्रियल कर देते हैं सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ऑज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ द नेशन पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था नेशन का सो दैट वॉज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ठीक है दिस वॉज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ अ नेशन जो कि जिसका हेडक्वार्टर है लुधियाना विच इज इन पंजाब एयू का है जयपुर में फिनकेयर का मुंबई में है जन स्मॉल का भी मुंबई में है इक्टास का चेन्नई में है ठीक है तो इनके हेडक्वार्टर याद रखना वट इज द मैक्सिमम मेच्योरिटी फॉर अ टी बिल टी बिल की जो ट्रेजरी बिल है विच इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इसका मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड कितना है तो वो है थ्री सिक्सटी फोर डेज तो टी बिल तीन मेच्योर मतलब तीन उसमें इश्यू हो सकते हैं नाइन्टी वन डेज वन एट्टी टू डेज एंड थ्री सिक्सटी फोर डेज जिसमें थ्री सिक्सटी फोर डेज मैक्सिमम मेच्योरिटी है टी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड पे अभी आगे क्वेश्चन आएगा ठीक है

एफ ए टी एफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दट प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरिस्ट फाइनेंसिंग एफ एटीएफ क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो की मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को प्रिवेंट करती है तो आपको ए बताने एफ ए टी एफ में क्या होता है तो ए इज एक्शन एफ ए टी एफ होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन विच ऑफ द द फॉलोइंग स्टेट दी आई है आत्मनिर्भर शाली रिलायंस प्रोग्राम इनमें से किस स्टेट में एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है महिला आत्मनिर्भर शाली आत्मनिर्भर शील आर्चनी ठीक है ये एक प्रोग्राम है जो कि वुमेन्स सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम है सो so, वो करा है असम में ऑप्शन ई असम फॉरन कंपनी कैन एक्सेस इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट फॉर रेजिंग फंड थ्रू इश्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एक फॉरन कंपनी है वो इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सेस कर सकती है फंड रेज करने के लिए मतलब वो फंड रेज कर सकती है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में उसको एक्सेस मिल सकता है ठीक है सो दैट इज इंडियन डिपोजिट्री रेसेप्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इंडियन डिपॉजिट्री रेसेप्ट आई डी आर शॉर्ट फॉर्म इसका ये आता है ठीक है राजेश कुल्लर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं राजेश कुल्लर तो ही इज वर्ल्ड बैंक सो दैट इज वर्ल्ड बैंक ओके ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर नॉन ऑफ द एब वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर आईसीसीआई लॉम्बार रिसेंटली एक्वायर्ड ए स्टेक इन भारतीय एक्सा आईसीसीआई लॉम्बार ने हाल ही में भारतीय एक्सा में स्टेक एक्वायर करे हैं तो आपको बताने की सेकेंड आई कॉन्स क्या आप रेफर करते हैं आईसीआईसीआई में फर्स्ट आई सेकंड आई एंड थर्ड आई तो आपको ये वाला आई बताना है आईसीसीआई लॉम्बार्ड और भारतीय एक्सचेंज दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है तो सेकंड आई इज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आईसीसीआई का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है देख लो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ठीक है नेक्स्ट देखो कौन सा इनिशिएटिव लिया है उन लोगों के लिए जो कि विलेजेस या फिर बाकी रिमोट एरियाज में रह रहे हैं जिनको बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल पाती so है वो आर डिप्राइव ऑफ बैकिंग सर्विसेज सो दैट इज क्योक्स बैंकिंग ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है टाइप्स ऑफ बैंकिंग आर इम्पोर्टेंट ठीक Which of the following ATMs are set up for the purpose of e-commerce? E-commerce के purpose से कौन से ATM set up किए गए हैं Automated Teller मशीन so they are yellow label ATMs. याद रखने yellow लेबल ए टी एम फॉर ई कॉमर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट मिंद्रा ये सब आपकी ई e कॉमर्स कंपनी में आती है एमेजॉन ठीक है एंड द ले एटीएम विच आर ओन्ड ओन बाय नॉन बैंक एंटिटी ठीक है तो वो कौन से होते हैं वो होते हैं व्हाइट लेबल ए ठीक है

वट डज आई स्टैंड फॉर इन लेबॉल लिबॉल में आई क्या होता है तो लेबॉल में आई होता है इंटर बैंक ठीक है ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में डायरेक्टली नॉर्मली ऐसे तो इसको याद रखना लेबॉर होता है लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट और एक होता है टर्म मेबॉर विच इज मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट सो so, एल से लंडन एम से मुंबई CTS is a चेक clearing सिस्टम undertaken by RBI फॉर क्विकर चेक clearance. What is the ऑफ of CTS CTS एक चेक क्लियरिंग सिस्टम है जो की आरबीआई ने कराता क्विक क्लियरेंस ऑफ चेक के लिए जिससे चेक जो है वो क्विकली क्लियर हो जाए तो आपको बताने की सी टी एस के एब्रीविएशन क्या है फुल फॉर्म क्या है सो दैट इज चेक ट्रांकेशन सिस्टम ऑप्शन बी ठीक है चेक ट्रांकेशन सिस्टम ये भी क्वेश्चन है नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली लॉन्च लोन इन सेकंड्स एंड इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट फैसिलिटी इनमें से किस बैंक ने लॉन्च करा है लोन इन सेकंड जो कि एक इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट फैसिलिटी है लोन इन सेकंड से समझ में ही आ रहा है क्या है सो दैट इज यस बैंक ऑप्शन ई यस बैंक जिसका हेडक्वार्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मैं टाइम्स दैट इज इन मुंबई

74th फोर्थ इंडिपेंडेंस डे हुआ था इस बार जो कि 15th अगस्त को हुआ था ठीक है तो कौन सी स्टेट है जिसने चैलेंज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च करा था यूथ के लिए युवाओं के लिए सो दैट इज अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश एडिशन याद रखना इंडिपेंडेंस डे का 74th. What is the theme of the 2020 International Youth Day observed on 12th of August? 12th of August को International Youth Day मनाया जाता है ठीक है तो आपको theme बताना है कि theme क्या था ज यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन दिस वॉज द थीम यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन ऑप्शन बी एक होता है इंटरनेशनल यूथ डे जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है एक होता है नेशनल यूथ डे याद रखना जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है ठीक है वो 12 जन को होता है नेशनल यूथ डे सो नेक्स्ट डे को कॉमन सर्विस सेंटर विच इज सी एस सी शॉर्ट फॉर्म इसका होता है सी एस सी

क्रिकेट की हिस्ट्री में जिन्होंने सारी मेजर ग्लोबल आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं सो दैट इज एम एस धोनी एवरी वन फेवरेट ऑप्शन बी एम एस धोनी महेंद्र सिंह धोनी Which ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज topped फर्स्ट एवर एनुअल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने पहली फर्स्ट एवर एनिमल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट को टॉप करा है सो दैट इज मिजोरम द हैप्पीएस्ट स्टेट मिजोरम ऑप्शन डी सेकेंड पे है पंजाब याद रखना सेकेंड पे पंजाब है एंड देन अरुणाचल सॉरी uh, अनुमान एंड निकोबार आईलैंड ये थर्ड पर है ठीक है सो so, मिजोरम पंजाब एंड अनुमान एंड निकोबार आईलैंड नेक्स्ट देखो आरबीआई बी अपॉइंटेड डीके कश्यप एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक आरबीआई ने डीके कश्यप को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट है इनमें से किस बैंक के लिए सो दैट इज धनलक्ष्मी बैंक ऑप्शन सी धनलक्ष्मी ये केरला बेस्ड बैंक है ठीक है दिस इज अ केरला बेस्ड बैंक नेक्स्ट देखो एवरी ईयर वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑब्जर्व ऑन द ट्वेंटी नाइंथ ऑफ सेप्टेंबर ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है तो आपको थीम बताना है ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए क्या था इस साल के लिए सो दैट इज ऑप्शन बी यूज हार्ट टू बीट डी ठीक है डी इज कार्डियोवेस्क्युलर डिजीज ठीक है जो कार्डिय uh, पेशेंट्स होते हैं हार्ट पेशेंट को कार्डियक पेशेंट भी बोलते हैं और उनको कार्डियोवेस्क्युलर डिजीज हार्ट डिजीज को बोला जाता है ठीक है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर इंटरनेशनल डे ऑफ ऑल्डर हर साल अक्टूबर वन को मनाया जाता है तो आपको थीम बताना है दो हजार बीस के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए क्या थीम था सो इट इज पेंडेमिक्स टू देंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग ठीक है दिस इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज रोब्ड इन प्रियंका चोपड़ा जॉनस एज इट्स ब्रांड एम्बेसिडर इनमें से कौन सी कंपनी है कौन सी एंटिटी है जिसने प्रियंका चोपड़ा जॉनस को अपना ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है सो दैट इज पार्ले एग्रो ठीक है पार्ले एग्रो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस माई टाउन माई प्राइट प्रोग्राम इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने अनाउंस कराया है माई टाउन माई प्राइड करके प्रोग्राम सो दैट इज जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन सी नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट इनमें से कौन सा कंट्री है जो पहला नेशन बना है जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट को अप्रूव करने के लिए सो दैट इज अर्जेंटीना ऑप्शन डी अर्जेंटीना रिसेंटली इंडिया है सक्सेसफुली टेस्टफायर ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विथ सेवर इंडिजीनियस फीचर्स

नेक्स्ट देखो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व ऑन नाइंथ ऑगस्ट नाइंथ ऑगस्ट को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है तो आपको थीम बताना है सो दैट इज ऑप्शन ए कोविड नाइनटीन एंड इंडिजीनियस पीपल्स सो दिस द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे बायोग्राफी ऑफ इंडिया यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन इज सेट टू रिलीज यंगेस्ट इंडिया के यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन है जिनका नाम है विशेष तो आपको बताना है कि उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है सो दैट इज विशेष कोट टू विन ठीक है याद रखना ही इज द यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन सेंड्रो वैगनर वैग्नर रिसेंटलीरमेंट इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड सेंड्रो वैगनर जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है वो इनमें से किस फील्ड से एसोसिएटेड है सो ही इज अ फुटबॉलर ठीक है ऑप्शन बी ये फुटबॉल प्लेयर है एंड ही इज फ्रॉम जर्मनी सो ही इज अ जर्मन फुटबॉल प्लेयर When economic growth rate is negative for at least two quarter, it is known as जब economic growth rate दो quarter तक at least दो quarter तक negative जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे उस condition को तो उसको हम बोलते हैं recession, ठीक है ऑप्शन सी रिसेशन जिसमें काफी लोगों की जॉब जाती है सैलरी कट होती है तो उस टाइम को हम बोलते हैं रिसेशन का टाइम आ गया है ठीक है नेक्स्ट देखो फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च एम एस एम ई प्रेरणा एंड ऑनलाइन बिजनेस मेंटोरिंग प्रोग्राम फॉर एम एस एम ईस बाई फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारामन उन्होंने एम एस एम ई प्रेरणा करके लॉन्च कराए जो कि ऑनलाइन बिजनेस मेंटोरिंग प्रोग्राम है एमएसएमई के लिए ठीक है तो वो किस बैंक ने लॉन्च कराए बेसिकली किस बैंक के साथ इंडियन बैंक ऑप्शन ए इंडियन बैंक जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एस बी आई का मुंबई में है हेडक्वार्टर बैंक ऑफ इंडिया मुंबई बैंक ऑफ बड़ौदा का है वडोदरा विच इज इन गुजरात एंड पी एन बी का है न्यू डेली में नेक्स्ट देखो

ऑप्शन सी 500 मिलियन डॉलर्स ठीक है नेक्स्ट देखो नाबार्ड है्ड नाबार जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट उसने एक फाइनेंस स्कीम लॉन्च की है वॉश प्रोग्राम के लिए जिसमें कितना फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में कितना, कितना करोड़ पैसा लगा है लगाया है नाबार्ड ने सो दैट इज एट करोड़ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वॉश क्या है देख लो वॉश इज वॉटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन याद रखना ठीक है नाबार्ड मैंने अभी बताया था नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में सो नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी बंधन बैंक डिजिटल हेड बंधन बैंक के डिजिटल हेड कौन बने हैं सो ही इज राहुल पारक ऑप्शन बी राहुल पारिक बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में ठीक है Following RBI, बी is also allowed insurance company to use video based KYC. RBI को फॉलो करते हुए इर्डा ने भी अनाउ कर दिया है एक इंश्योरेंस कंपनी को कि वो वीडियो बेस्ड केवाईसी यूज कर सकते हैं मतलब नो योर कस्टमर तो आपको बताना है इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है सो so, इर्डा का हेडक्वार्टर हैदराबाद है में ऑप्शन ई e, हैदराबाद इर्डा इंश्योरेंस जो भी कंपनीज है उनको रेगुलेट करती है, so ठीक है अभी हमने कॉटेक्ट महिंद्रा का और इंडस इंड बैंक का भी पढ़ा था वीडियो का ठीक है? When a loan इज granted for one day एंड is repaid on the second day, it is called what money? जब लोन को एक दिन के लिए ग्रांट करते हैं और उसको सेकेंड डे रीपे करना पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सो दिस इज शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ठीक है जिसमें सिर्फ एक दिन के लिए लोन को एक दिन का होता है लोन का ठीक है एक दिन को लोन ग्रांट होता है सो दैट इज कॉल ऑप्शन सी कॉल मनी ठीक है टू सेलिब्रेट द 74th Independence इंडिपेंडेंस डे द flag फ्लैग hoisted for फॉर द फर्स्ट टाइम इन of ऑफ द फॉलोइंग places? 74th Independence Day इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो हमारे ट्राई कलर नेशनल फ्लैग है उसको पहली बार किस आइकोनिक प्लेस पे होस्ट करा गया सो दैट इज टाइम्स स्क्वायर ऑप्शन सी टाइम्स स्क्वायर ये जगह कहां पर है इट इज New न्यूयॉर्क ठीक है इट इज एन इन न्यूयॉर्क जो कि यूएस में है ठीक है नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू सेकंड से डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा कंट्री है जो सेकंड पोजीशन पे है सो दैट इज स्वीडन ऑप्शन सी स्वीडन फर्स्ट पे डेनमार्क है ठीक है फर्स्ट पे डेनमार्क सेकंड स्वीडन इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक है फिफ्टी एंड जो टोटल कंट्रीज थे रैंकिंग में देवर एटी फाइव ठीक है तो जो टोटल कंट्रीज में रैंकिंग हुई है, that is 85. एक एक संकल्प संकल्प बुजुर्गों बुजुर्गों के के नाम scheme state. एक के नाम करके किस स्टेट ने इंप्लीमेंट की है सो दैट इज मध्य प्रदेश तो जो ये आपका पेंडेमिक का टाइम चल रहा है ना इसमें बुजुर्गों को हेल्थ फूड ये सब प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है ठीक है नेक्स्ट देखो ज द चेयरमैन ऑफ सिक्स स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश सिक्स स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन बने हैं हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन कौन बने हैं सो so, वो है सतपाल सिंह सत्ती ऑप्शन डी सतपाल सिंह सत्ती नेक्स्ट देखो नीति आयोग पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू सपोर्ट वेमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस स्टेट जो वेमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए नीति आयोग ने इनमें से किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है सो दैट इज टेक महिंद्रा ऑप्शन ए टेक महिंद्रा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड अफ्रीका फ्री फ्री ऑफ पोलियो पोलियो व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड ने अफ्रीका को फ्री ऑफ पोलियो कर दिया है कि जो अफ्रीकन नेशन है दे आर नाउ फ्री ऑफ पोलियो तो आपको बताना है कि इंडिया को कब डिक्लेयर कराता डब्ल्यू एच ओ ने पोलियो फ्री सो इंडिया डिक्लेर पोलियो फ्री इन ट्वेंटी फोर्टीन ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सो दो हजार चौदह में इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर हुआ था नेक्स्ट देखो हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन फॉर स्टूडेंट्स टू एनकरेज फिटनेस वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट फिटनेस को एनकरेज करने के लिए कैंपेन लॉन्च करा है गवर्नमेंट ने जिसका नाम है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड आपको बताना है कि किस गवर्नमेंट ने लॉन्च है कौन से स्टेट की सो दैट इज न्यू डेली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर न्यू डेली World Bank has suspended the Ease of Doing Business report. Pick out the report which is not published by World Bank. World Bank ने Ease of Doing Business report को suspend कर दिया गया है, कर दिया है, तो आपको वो report बतानी है जो कि World Bank publish नहीं करता। So that is World Economic Outlook. Option E. ये कौन publish करता है? ये publish करता है IMF, which is International Monetary Fund. बाकी World Bank देख लो कौन सी reports publish करता है? Remittance report, Ease of Living Index report. इंडिया डेवलपमेंट अपडेट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स ये सारी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें पब्लिश करती है ये सब इंपॉर्टेंट है तो इस पर एक वीडियो आने वाला है इसकी ट्रिक्स पे ठीक है सो इट विल बी ईजी टू यू नो रिमेंबर तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा वो जल्द ही हम चैनल पर अपलोड करने वाले हैं नेक्स्ट देखो जॉय रूबी पास अवे रिसेंटली ही वॉज द को फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस कार्टून सीरीज जॉय रूबी जिनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है वो को फाउंडर रह चुके हैं इनमें से किस फेमस कार्टून सीरीज के इसका आंसर पता होना चाहिए सबको दैट इज कू डू काफी लोगों ने देखा होगा काफी लोग का फेवरेट भी है ये सो ऑप्शन सी नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर टू डेज अवेयरनेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी के लिए न्यूट्रिशन की कितनी इंपॉर्टेंस है उस चीज को अवेयर करने के लिए उस चीज की अवेयरनेस के लिए एक नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट करा जाता है सेप्टेंबर के फर्स्ट वीक में यानी कि फर्स्ट से लेकर सेवन सेप्टेंबर तक ये वीक होता है, ठीक है तो आपको बताना है कि ये जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक था ये किस साल में लॉन्च हुआ था देखो, लॉन्ग टर्म सिंडिकेटेड लोन फैसिलिटी वर्थ टेन थाउजेंड करोड़ इनमें से किस कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाइप करा है लॉन्ग टर्म सिंडिकेटेड लोन फैसिलिटी के लिए वर्थ टेन थाउजेंड करोड़ सो इज था ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर विधान

ड ऑफ द सिक्स मेंबर कमिटी टू सेटअपाई टू स्टडी इंडेक्स लिंक इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस की स्टडी करने के लिए छह में कमेटी बनाई गई है थीके? तो वो कमेटी को कौन हेड करेगा सो दिनेश पंथ ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दिनेश पंथ छह मेंबर की कमेटी है ठीक है इर्डाई तो अभी बताया था मैंने हेडक्वार्टर का हैदराबाद में और इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट कर दिया ये नेक्स्ट देखो टल वेलबींग इज अ सर्वे पब्लिश बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने यह सर्वे पब्लिश कराई यूथ एंड कोविड नाइन्टीन पे सो दट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ई आई एल ओ ठीक है शॉर्ट फॉर्म इसका आई एल ओ सेंट्रल Water कमीशन हैज पार्टनर विद which ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्लड फोरकास्टिंग initiative? फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव के लिए सी which is Central इज सेंट्रल कमीशन उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की है सो so Google. ठीक है ऑप्शन बी की फ्लड पहले पता लग जाएगा कि फ्लड आने वाला है नहीं आने वाला ये सब उसके फोरकास्ट के लिए सो गूगल नेक्स्ट देखो अवॉर्डेड 2020 नोबेल पीस प्राइज नोबेल पीस प्राइस किसको मिला है सो दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ठीक है ऑप्शन सी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है इस बार। देखो, खा के हमें शांति मिलती है ठीक है काफी लोग ऐसे होते हैं जो इरिटेट होते हैं गुस्से में होते हैं उनको खाना दे दो उनको पीस मिलती है एंड आई एम वन ऑफ देम सो नोबेल पीस प्राइज को आप ऐसे कर सकते हैं पीस फूड ठीक है नेक्स्ट देखो थर्टींथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी पास अवे विच ऑफ द फोइंग बुक्स आर ऑर्थर्ड बाई हेम आपको बताना है कि प्रणब मुखर्जी ने इनमें से कौन सी बुक्स ऑथर की थी बुक याज ऑप्शन बोथ ऑप्शन ए एंड सी ऑप्शन ई ठीक है द कॉलेशन ईयर्स एंड द ड्रामेटिक डीकेट ठीक है सो दीज आर द टू बुक्स विच आर ऑर्थर्ड बाई प्रणब मुखर्जी ठीक है एंड ही इज द प्रे वॉज द थर्टींथ प्रेसिडेंट ऑफ अर कंट्री फोर्टीन प्रेसिडेंट मतलब हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है ही इज रामनाथ कोविंद ठीक है एंड हीज द फोर्टींथ प्रेसिडेंट ऑफ अर कंट्री वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू नेक्स्ट देखो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन आईजी टू लीड सीआरपीएफ इन कश्मीर सीआरपीएफ को लीड करने वाली कश्मीर में पहली वुमेन आईजी कौन बनी है सो शी इज चारू सिन्हा ऑप्शन डी चारू सिन्हा इन सितंबर 2020 इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर कोलैबोरेशन ऑन स्टार्टअप एंड इनोवेशन स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए इंडिया ने इनमें से किस कंट्री के साथ एम साइन करा है सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में सो दैट इज इसराइल ऑप्शन ई इसराइल इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इसराइल की करेंसी है शेकल ठीक है नेक्स्ट देखो रिसेंटली इट वाज अनाउंस दैट द ट्वेल्थ ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड ऑन सेवेंटीन नवंबर 2020 हाल ही में अनाउंस करा गया है कि जो ट्वेल्थ ब्रिक्स समिट है वो सेवेंटीन नवंबर 2020 को होगी तो कौन सा कंट्री है विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स इनमें से कौन सा कंट्री ब्रिक्स का मेंबर नहीं है सो दैट इज सिंगापोर ऑप्शन ई ब्रिक्स के मेंबर कौन से हैं बी से ब्राजील आर से रशिया आई से इंडिया सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका सो दीज आर द फाइव मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो अभी हमने बताया था उसका हेडक्वार्टर याद रखना वो है शंघाई में विच इज इन चाइना ठीक है सो नेक्स्ट डे को व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कोकोनट डे 2020 वर्ल्ड कोकोनट डे 2020 का थीम बताना है तो वो है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड ठीक है कोकोनट में इन्वेस्ट करो वर्ल्ड को सेव करने के लिए ये थीम इसीलिए रखा है बिकॉज अभी पेंडेमिक चल रहा है कोविड में और कोविड में यही बोला जा रहा है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो तो जो कोकोनट है इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ वेरी गुड फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर इम्यून सिस्टम ठीक है तो इनफैक्ट जो कोविड पेशेंट है जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको भी दिन में चार चार पांच पांच बार कोकोनट वाटर दिया जा रहा है ठीक है सो फर्स्ट टाइम जो कोकोनट डे सेलिब्रेट हुआ था वो हुआ था 2009 में और वर्ल्ड कोकोनट डे कब होता है इट टेक्स प्लेस एवरी ईयर ऑन सेकंड ऑफ सेप्टेम्बर ठीक है सितंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज प्लान टू जनरेट एन अमाउंट ऑफ अप टू थर्टीन बिलियन डॉलर फॉर द क्लीन ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बाय इशुइंग ग्रीन बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड को इश्यू करके कौन सा कंट्री है जो कि अमाउंट जनरेट करेगा थर्टीन बिलियन यू एस डॉलर का किस चीज के लिए क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए सो दैट इज जर्मनी ऑप्शन बी जर्मनी जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और जर्मनी की करेंसी है यूरो ठीक है नेक्स्ट देखो इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इनमें से किस सिटी में इंडिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इनोग्रेट करा गया सो दैट इज गुवाहाटी ऑप्शन डी गुवाहाटी जो कि असम में एक सिटी है ठीक है तो ये जो रोप वे है ये पूरा दो किलोमीटर का रोप वे है विच इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया एंड फिफ्टी सिक्स करोड़ की इसमें इसमें जो मनी है वो फिफ्टी सिक्स करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है ठीक है गुवाहाटी असम में है असम की कैपिटल गुवाहाटी नहीं है ये याद रखना बहुत कंफ्यूजन होता है असम की कैपिटल है दिसपुर ठीक है याद रखना डी आई एस पी यू आर दिसपुर ठीक है लॉरा मार्शायर रिसेंटली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स लॉरा मार्श जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है वो इनमें से किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड स्पोर्ट है सो शी इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट ऑप्शन बी ठीक है ये इंग्लैंड से प्लेयर हैं ठीक है शी इज टू प्ले फ्रॉम इंग्लैंड Which of the following inflation is a major of total inflation within a country? Country में जो भी total inflation है, उसके major को हम क्या बोलेंगे? With total inflation within a country, उस inflation को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं headline inflation. Option C, headline inflation. Next देखो flipkart under its flipkart संपद प्रोग्राम signed an MOU with ODOP scheme of which of the following state आपको बताना है ODOP scheme किस state की scheme है, ठीक है? फ्लिपकार्ट ने अपने फ्लिपकार्ट संबद्ध प्रोग्राम के अंदर इसके साथ एमओयू साइन कराए ओडीओपी स्कीम के साथ तो ये है यूपी की ठीक है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये स्कीम है ये 2018 में लॉन्च हुई थी 2018 में ये लॉन्च हुई थी इसका फुल फॉर्म देख लो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये इसका फुल फॉर्म है ठीक है उत्तर प्रदेश के गवर्नर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ट आनंदीबेन पटेल एंड चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क सिचुएटेड इन उत्तराखंड उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क इनमें से सिचुएटेड है है बहुत इजी क्वेश्चन दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द फेमस नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है रंतम बोर भी बहुत फेमस नेशनल पार्क है जो राजस्थान में है मानस नेशनल पार्क असम में है और काजीरंगा भी असम में है ठीक है ये दोनों असम में है मानस एंड काजीरंगा नेक्स्ट सो नेक्स्ट एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रेकग्नाइज अंडर द फॉलोइंग एक्ट एनपीसीआई जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल द रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच इज द अम्ब्रेला आर्म फॉर ऑल द रिटेल पेमेंट इन इंडिया सो यू शुड नो दैट इज एन ठीक है तो वो किस एक्ट के अंदर आती है तो ये आती है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट टू ठीक है याद रखना पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट टू थाउजेंड सेवन एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है ठीक है कैनरा एच एस बी सी ओरिएटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च अ न्यू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान टाइटल कैनरा एच एस बी सी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक नई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लॉन्च कराया है वो क्या है उसका टाइटल क्या है सो दैट इज इन्वेस्ट फोर जी ऑप्शन ए इन्वेस्ट फोर जी नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इनटू एन एमओ यू महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर ट्रैक्टर फाइनेंस ट्रैक्टर फाइनेंस के लिए इनमें से कौन सा बैंक है जिसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ एमओयू साइन करा है सो दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन डी बीओबी बीओबी का हेडक्वार्टर अभी डिस्कस करा था वडोदरा में है विच इज इन गुजरात नेक्स्ट देखो

सो नेक्स्ट देखो आरबीएल बैंक है हेल्प फ्रॉम विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपनीज फॉर इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव आरबीएल बैंक ने इनमें से किस कंपनी की हेल्प ली है अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स के लिए सो दैट इज एक्सटेंचर ठीक है ऑप्शन डी एक्सटेंचर जो कि आई टी एंड कंसल्टेंसी कंपनी है आरबीएल का हेडक्वार्टर है मुंबई में ठीक है दिस ऑज अ प्राइवेट बैंक आरबीआई रिसेंटली लॉन्च दी आईई एस एस सर्वेज वरबीआई ने हाल ही में आईई एस एस सर्वे लॉन्च करा है अठारह में तो आपको बताना है आई क्या होता है आईईएसएच में सो आई इज इन्फ्लेशन इसका फुल फॉर्म देख लो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड ठीक है ये है आई ई एस एच एक और सर्वे कराता विच इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे दैट इज सी सी एस जो की थर्टीन सिटीज में कराता ठीक है नेक्स्ट देखो व्हाट वाज़ द जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 अगस्त 2020 के लिए जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन बताना है कितना था सो दैट वाज़ 86,449 करोड़ ऑप्शन बी ठीक है विच इज 88 परसेंट ऑफ द जीएसटी रेवेन्यू इन अगस्त 2019 अगस्त 2019 का 88 परसेंट था जुलाई की बात करें तो जुलाई में जीएसटी रेवेन्यू था एटी करोड़ दिस इज ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस सर्विस टैक्स और पहला जो कंट्री था जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट करा था वो था फ्रांस और पहला जो इंडियन स्टेट था जिसने जीएसटी बिल पास करा था वो था आसाम ठीक है सो नेक्स्ट है वॉट इज इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड बाई फिक्स रेटिंग फिक्स रेटिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कितना बताया है सो दैट इज नाइन पॉइंट फाइव परसेंट ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलोइंग एन जी ओज वॉज कन्फोर्ड विद द डब्ल्यू एच ओज वर्ल्ड नो टोबेको डे अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी इनमें से कौन सा एन जी ओ है विच इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको डब्ल्यू एच ओ का वर्ल्ड नो टोबेको डे अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी मिला है ठीक है डब्ल्यू एच ओ इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सो एनजीओ का नाम है सीड्स ऑप्शन सी सीड्स सीड्स का फुल फॉर्म देख लो सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी जिस इज सीड्स इसने क्यों मिला है क्योंकि इसने बिहार और झारखंड में पान मसाला गुटका ई सिगरेट और हुक्का ये सब बैन कराया था ठीक है बिहार और झारखंड में इसीलिए मिला है और वर्ल्ड टोबैको डे होता है थर्टी फर्स्ट ऑफ मे को ठीक है वर्ल्ड नो टोबैको डे सॉरी नॉट वर्ल्ड टोबैको डे अकॉर्डिंग टू द फॉर्ब्स टॉप पेड एथलीट्स इन द वर्ल्ड लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स मैन टुक द फर्स्ट प्लेस फॉर्ब ने लिस्ट निकाली है जो वर्ल्ड के टॉप पेड एथलीट्स हैं उनकी तो आपको बताना है कि टॉप फर्स्ट प्लेस पे कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है कौन से स्पोर्ट्स मैन है सो ही इज रॉजर फेडरर ठीक है ऑप्शन ई रॉजो फेडरर ये टेनिस प्लेयर हैं जो कि स्विट्जरलैंड से हैं सो इज अ स्विस टेनिस प्लेयर ठीक है सेकंड पर सॉरी सेकंड कह रही हूँ विराट कोहली इकलौते इंडियन है इकलौते इंडियन एथलीट हैं जो कि टॉप हंड्रेड की लिस्ट में आए हैं जिनकी रैंक है सिक्सटी सिक्स जो कि सिक्सटी सिक्स आए हैं ठीक है सो नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडियाज एडवाइजरी कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं जो कि ऑफ इंडियाज एडवाइजरी कमेटी जो कि इंडिया की एडवाइजरी कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स के सो ही इज मोहनदास पाई ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मोहनदास पाई जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आया था वो आया था 2016 में 2016 में और ये एनपीए के लिए आया था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है ना उनके लिए आया था ये नेक्स्ट देखो व्हाट वाज़ द थीम ऑफ द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स दैट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जून वन जून वन को हर साल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है तो आपको बताना है कि इस साल का थीम क्या था 2020 का थीम सो दैट इज ऑप्शन ई एप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड ठीक है दिस वॉज द थीम

सो नेक्स्ट देखो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द होस्टिंग राइट्स ऑफ दुम एशियन कप टू इंडिया तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने वुमेन्स एशियन कप जो होगा 2022 का उसको इंडिया को होस्टिंग राइट्स मिली है सो आंसर इज 2022 आपको यही बताना था कि इंडिया कब होस्ट कर पाएगा ए एशियन कप ठीक है सो ट्वेंटी Adidas India has recently appointed which former Miss World as their brand ambassador. Former Miss World रह चुकी है उनको brand ambassador बनाया है Adidas India ने तो आपको उनका नाम बताना है and she is Manushi Chhillar. ठीक है option A Manushi Chhillar. अर्बन द फॉरेस्ट स्कीम टू डेवलप हाउ मेनी नगर वन अक्रॉस द कंट्री इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स अर्बन करके अर्बन द फॉरेस्ट स्कीम जो है वो डेवलप करेगी कितने नगर वन कंट्री में इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स अगले पांच साल में सो टोटल इट विल डेवलप टू हंड्रेड नगर वन ठीक है इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स नेक्स्ट देखो स्पेशल ड्रॉइंग राइट पर मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा एस डी आर जिन्हें हम बोलते हैं ठीक है

वट इज अ बॉन्ड बॉन्डट मेक्स नो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट एंड इज इनिशियली सोल्ड एट अ डीपर डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं जो कि कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं बनाता और उसको इनिशियली डीप डिस्काउंट पे सोल्ड करा जाता है फेस वैल्यू के मतलब जो भी फेस वैल्यू होगी लाइक फिफ्टी रुपीज है तो उस पर डिस्काउंट होगा ठीक है मैं इसमें हिंट देती हूँ मैंने बोला था कि इसको ट्रेजरी बिल को ये भी बोलते हैं ठीक है अब आपको हिंट मिल गया होगा दैट इज जीरो बॉन्ड ऑप्शन सी इसको टी बिल भी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट देखो विच इंडियन स्टेट हैज अमेंडेड अ 65 फाइव ईयर ओल्ड एक्ट टू स्टॉप काउस लॉटर इन द स्टेट इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट ने अमेंड करा है एक 65 फाइव ईयर ओल्ड एक्ट जो कि काउस स्लॉटरिंग का था उसको रोकने का ठीक है अपनी स्टेट में सो दैट इज यूपी ठीक है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश बी ओ बी हैज अनाउंस टू कंप्लीटली डिजिटाइज लेंडिंग ऑपरेशन बी ओ बी ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने लैंडिंग ऑपरेशन को कम्प्लीटली डिजिटाइज कर देगा तो आपको बताना है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बी ओ बी बी ओ बी तो आपको समझ में आई गया होगा बैंक ऑफ बड़ौदा तो एम डी एन सी ओ बताने बी ओ बी के तो कौन है तो वो है संजीव चड्डा ऑप्शन बी संजीव चड्डा नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर विद जनरल सोम्पो लाइफ इंश्योरेंस टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए इनमें से कौन सा बैंक है जिसने जनरल सोम्पो लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है सो दैट इज कर्नाटका बैंक ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कर्नाटका बैंक कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर में है याद रखना मैंगलोर When is the International Day for Elimination of Sexual Violence वायलेंस Conflict observed? International Day for Elimination of Sexual Violence इन Conflict कब होता है सो so, ये होता है जून 19 को ठीक है ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर जून 19. नेक्स्ट देखो विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जून ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी इंटरनेशनल योगा डे का बताना है आपको कौन सा एडिशन इस साल सेलिब्रेट करा गया था और इंटरनेशनल योगा डे होता है हर साल जून ट्वेंटी फर्स्ट को सो सिक्स एडिशन था ऑप्शन सी मतलब 2015 को पहली बार इंटरनेशनल योगा डे मनाता ठीक है थीम क्या है इंटरनेशनल योगा डे का इस बार का वो भी देख लो योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम बिकॉज पेंडेमिक सो योगा एट होम

The International Day of the Celebration of the Solstice fall on 21st June. It represents which of the following? International Day होता है which is the celebration of the solstice falls, जो कि 21st June को मनाया जाता है जिस दिन International Day of Yoga भी होता है तो आपको बताना है ये चीज क्या represent करती है What is this day represents? So it represents the longest day of the year. ये ye जो day होता है ना ये longest day होता है हमारे जो साल होता है उसका longest day. ठीक है नेक्स्ट देखो कुशीनगर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कुशीनगर एयरपोर्ट इनमें से किस स्टेट में लोकेटेड है सो इट इज लोकेटेड इन यूपी ठीक है उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी Which financial service corporation will buy Finicity for a purchase price of $825 million? dollars? ठीक है, इनमें से कौन सी financial service corporation है जो कि Finicity को buy करेगी कितने में $825 million US dollar में? So that is Mastercard. Option E, Mastercard. ये जितने भी factual data आ रहे हैं ना, तो I suggest you कि जहाँ भी factual data आ रहे हैं, please उसको लिख लीजिए अगर notes बने then well and good, otherwise उसको लिख लीजिए. ठीक है और बाकी जब आपके पास PDF आएगी तो वहाँ mark कर सकते हो. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द थीम ऑफ एमएसएमई डे 2020 एमएसएमई डे 2020 का थीम बताना है डेट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सो वो है ऑप्शन सी कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस ठीक है दिस इज द थीम और ये कब होता है ये हर साल 27th ऑफ जून को होता है ठीक है 27th जून नेक्स्ट डे वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया वॉज रिसेंटली लॉन्च इन वर्ल्ड की पहली योगा इंडस्ट इंडस्ट्री कह रही हूँ वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी इंडिया के बाहर कहाँ पे लॉन्च की गई है सो वो की है लॉस एंजलिस में एल में ठीक है ऑप्शन ए लॉस एंजलिस नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी नाइंथ ऑगस्ट इन मेमोरी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन किस स्पोर्ट्स पर्सन की मेमोरी में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है हर साल ट्वेंटी नाइंथ ऑगस्ट को सो so, ही इज ध्यानचंद

नेक्स्ट देखो फोन पे एज ऑफिशियली लॉन्च एट द रेट आई बी एल हैंडल इन पार्टनरशिप विद विच बैंक फोन पे ने ऑफिशियली लॉन्च कराया एट द रेट आई बी एल किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके सो दैट इज आई सी आई सी आई बैंक ऑप्शन सी वी ऑलरेडी डिस्कस द हेडक्वार्टर मुंबई में है ठीक है इसका फुल फॉर्म भी हमने डिस्कस कर लिया है नेक्स्ट देखो Vini mahajan has been appointed as the first female chief secretary of which of the following state Vini mahajan first female chief secretary vania in mesakissa state ke. so that is punjab option c punjab Vini mahajan next they go कर्नाटका गवर्नमेंट टू कनेक्ट जॉब सीकर और एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है सो दैट इज स्किल कनेक्ट फॉरम ठीक है ऑप्शन डी स्किल कनेक्ट फॉरम नेक्स्ट देखो विच बैंक होल्डिंग फॉर्म रिसेंटली सोल्ड ट्वेंटी पॉइंट नाइन फाइव परसेंट स्टेक टू मीट आरबीआई नॉर्म्स आरबीआई नॉर्म्स को मीट करने के लिए कौन सी uh, किस बैंक की होल्डिंग फॉर्म ने हाल ही में ट्वेंटी पॉइंट नाइन फाइव परसेंट स्टेक सोल्ड करे हैं ठीक है सो दैट इज बंधन बैंक ऑप्शन बी बंधन बैंक ठीक है एंड बंधन बैंक का हेडक्वार्टर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कोलकाता में है फिजिकल पॉलिसी डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फिजिकल पॉलिसी जो है वो इनमें से किस फैक्टर्स से डील करती है सो द आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. टैक्सेशन इन द कंट्री एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर डिसीजन लेती है वो उससे डील करती है ये फिजिकल पॉलिसी took oath as Prime Minister of Sri Lanka for the fourth time? Sri Lanka के Prime Minister fourth time ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं हु इज he? इज महिंद्र राजपाक्ष का ठीक है ऑप्शन ए और राज गवर्नर है सॉरी नॉट गवर्नर जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के वो कौन है ऑप्शन ई गोताब्य राजपाक्स का ठीक है तो याद रखना और ये भी याद रखना कि ही की फोर्थ टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका नेक्स्ट देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च वन लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन लाख करोड़ कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च करा है सो दैट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ठीक है जो कि चार साल के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज फॉर नेक्स्ट हैजिन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी सी ई एंड एमडी ऑफ जेसी इंडिया जेसीबी इंडिया के डेप्यूटी सी ओ एंड एमडी कौन बने याद रखना डेप्यूटी सी एंड एमडी सो ही इज दीपक शेट्टी ठीक है ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दीपक शेट्टी अब फर्स्ट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंस्टॉल ट्रैफिक सिग्नल दैट डिस्प्ले वेमेन आइकन्स पहली बार ऐसा हो रहा है इंडिया में कि कौन सा सिटी है जिसने पहली बार ऐसा करा है कि वो इंस्टॉल करेंगे ट्रैफिक सिग्नल जो कि विमेन आइकन्स को डिस्प्ले करेगा ठीक है सो दैट इज मुंबई ऑप्शन सी मुंबई Honoring the honest, a platform launched by PM Modi aims to benefit who? Who of the following? Honoring the honest करके एक platform है जो नरेंद्र मोदी launch करेंगे वो किसको benefit करेगा? इनमें से किसको benefit करेगा? So that is taxpayers. ठीक है, option C. प्लेटफॉर्म क्या है? Honoring the honest. नेक्स्ट देखो नेम द रनिंग इवेंट दैट इज ऑर्गेनाइज बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू एनकरेज फिटनेस फिटनेस को एनकरेज करने के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक रनिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करा तो आपको बताना है उसका नाम क्या है क्या था सो दैट वाज ऑप्शन डी फिट इंडिया फ्रीडम रन ठीक है दैट वॉज द नेम फिट इंडिया फ्रीडम रन और नेशनल स्पोर्ट्स तो हम बता ही चुके हैं कब होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे ट्वेंटी ऑफ अगस्त को ठीक है नेक्स्ट देखो डेली कटरा एक्सप्रेस वे बींग बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ इस टू बी कम्प्लीटेड बाई विच ईयर डेली कटरा एक्सप्रेस वे जो कि जिसपे पूरी कॉस्ट लग रही है थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ की वो किस साल तक कंप्लीट होगी किस ईयर तक सो इट विल बी कंप्लीटेड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऑप्शन सी दो हजार तेईस नेक्स्ट देखो सी सी आई विच इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिताची जॉइंट वेंचर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी तो सी 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 आई ने अप्रूवल दिया है हिताची जॉइंट वेंचर के फॉर्मेशन को किस कंपनी के साथ सो दैट इज होंडा मोटर्स ठीक है ऑप्शन बी होंडा मोटर्स सी सी आई याद रखिएगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट सो इनमें से किस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन सो दैट इज तेलंगाना ऑप्शन ई तेलंगना द यूएस एज साइंड डील टू सेल एफ सिक्सटीन फाइटर जेट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री तो यूएस ने डील साइन की है एफ सिक्सटीन फाइटर जेट्स को सेल करने के लिए इनमें से किस कंट्री के साथ तो दैट इज ताइवान ताइवान ठीक है ऑप्शन ए याद रखना फाइटर जेट्स सो नेक्स्ट येलो चेन सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इनमें से किस स्टेट में लॉन्च करा गया येलो चेन एक सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आंसर इज ऑप्शन सी नन ऑफ दीज ठीक है दिस इज द आंसर कहाँ पे करा गया था इट वॉज लॉन्च इन नागालैंड ठीक है नागालैंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ठीक नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है सो द आंसर इज ऑप्शन बी पोस्टल मनी ऑर्डर दिस इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक्स बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिस्ट्री नोट डिमांड ड्राफ्ट ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट याद रखना 1881 ठीक है ये एक्ट इंपॉर्टेंट है दिस इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सो नेक्स्ट देखो को विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक सीईओ राजकिरण राय हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन बैंक्स एसोसिएशन चेयरमैन इनमें से किस बैंक के सीईओ राजकिरण राय अपॉइंट हुए हैं इंडियन बैंक आईबीए के चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन सो वो हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ राजकिरण राय ठीक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर है मुंबई में एक यूनाइटेड और यूको बैंक भी होते हैं ये कंफ्यूज कर देते हैं तीनों बैंक तो याद रखना यूनियन बैंक का मुंबई एंड यूनाइटेड और यूको बैंक का है कोलकाता में नेक्स्ट देखो रमेश पोखरियाल इनोग्रेटेड इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट विच इंस्टीट्यूट रमेश पोखरियाल जो कि एच मिनिस्टर हैं उन्होंने इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनमें से किस इंस्टीट्यूट में इनोग्रेट करा है सो दैट इज आई जोधपुर ऑप्शन डी आई जोधपुर नेक्स्ट देखो जम्मू एंड कश्मीर हैव रिसीव्ड एन एमओयू विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी टू प्रमोट द इकोनॉमी एंड टू बूस्ट द सेल ऑफ जेन्युइन प्रोडक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर ने इनमें से किस कंपनी के साथ एमओयू साइन कराया है जिसमें वो रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल को बूस्ट करेंगे ठीक है सो दैट इज फ्लिपकार्ट ऑप्शन है फ्लिपकार्ट विच इज एन ई कॉमर्स कंपनी Who was, Who has won the Chess.com 2020 Junior Speed Online Chess Championship? Chess.com ने Junior Speed Online Chess Championship रखी 2020 की तो वो किसने जीती है तो वो जीती है निहाल सरन ने निहाल सरन Who is from India और इन्होंने किसको हरा के जीती है एलेक्से सराना को हरा के जीती है एलेक्से सराना जो कि कहाँ से है रशिया से ठीक है तो इनको हरा के जीती है नेक्स्ट देखो विच कंपनी लॉन्च दिस नेशन वाइड मेक अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन टू हेल्प सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए कौन सा कंपनी है जिसने लॉन्च करा है मेक अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन सो दैट इज गूगल ऑप्शन ए गूगल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इसरो इज अ स्केड्यूल्ड टू लॉन्च इट्स वीनस मिशन इनमें से किस ईयर में इसरो ने लॉन्च अपना लॉन्च करेगा वीनस मिशन सो दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ऑप्शन डी दो हजार पच्चीस में इसरो विल लॉन्च वीनस वीनस मिशन इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में इसरो फॉर्म हुआ था नाइनटीन सिक्सटी नाइन में इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सो नेक्स्ट जस्टिस जस्टिस रिसेंटली जस्टिस थी इनमें से किस कोर्ट की सो शी वाज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ केरला कोर्ट ऑप्शन बी ठीक है केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनारिया विजयान और केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान ठीक है अगला सो नेक्स्ट डे को विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज ज्वाइन बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव इनमें से किस बैंक ने बेयर का बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव ज्वाइन करा है जिसमें वो प्रोवाइड करेंगे होलिस्टिक फाइनेंशियल सोल्यूशन टू स्मॉल होल्डर फार्मर होलिस्टिक फाइनेंशियल सोल्यूशन स्मॉल होल्डर फार्मर्स को और रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज को सो दैट इज एक्सिस बैंक ऑप्शन सी एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में इट इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिपॉजिट्स हैज बीन कटेगराइज इन टू करंट एंड सेविंग अकाउंट इनमें से किस टाइप के डिपॉजिट को करंट और तो सेविंग अकाउंट में कैटेगराइज करा हुआ है सो दैट इज डिमांड डिपॉजिट ये मैंने डिस्कस करा था राइट right? जब एफ सी एनआर वाला क्वेश्चन आया था सो टर्म डिपॉजिट में आपके आ जाते हैं सॉरी जो टाइम डिपॉजिट होता है टर्म डिपॉजिट उसमें आपके एफ और आर आ जाते हैं बिकॉज एक फिक्स टाइम के बाद आप यहाँ से पैसे विदड्रॉ कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट डी डी जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होता है ये आपका होता है करंट और सेविंग जिसमें आप ऑन डिमांड मनी विदड्रॉ कर सकते हो नेक्स्ट देखो को ओ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड एज पार्टनर विद विच कंपनी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बीओबी फाइनेंशियल सोल्यूशन लिमिटेड ने इनमें से किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है सो दैट इज फिजर्व टेक्नोलॉजी ठीक है ऑप्शन डी फिजर्व टेक्नोलॉजी नेक्स्ट देखो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग आई टी फॉर्म टू सेटअप सेंटर्स इन द स्टेट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इनमें से किस आई टी फॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें वो स्टेट में सेंटर्स को सेटअप करेंगे सो दैट इज बॉस्टन ग्रुप ऑप्शन बी बॉस्टन ग्रुप सो नेक्स्ट दे को रिसेंटली एन टी पी सी ग्रुप अचीव हंड्रेड बिलियन यूनिट्स पावर जनरेशन मार्क विद द टॉप परफॉर्मर बिंग द कोरबा और थर्मल पावर प्लांट बेजिस इज लोकेटेड सो एन टी पी सी इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसने हंड्रेड बिलियन यूनिट्स का पावर जनरेशन मार्क अचीव करा है जिसमें टॉप परफॉर्मर कौन सा है कोरबा थर्मल पावर प्लांट तो आपको बताना है कि कोरबा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है तो ये है छत्तीसगढ़ में सो द आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ठीक है ये छत्तीसगढ़ में प्लांट लोकेटेड है नेक्स्ट देखो आरबीआई हैज मैंडेटेड दी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैव ओनली हाउ मेनी एयर्स लेयर्स तो आरबीआई ने मैंडेट करा है कि जो सी सी आई सीज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज उनमें कितनी लेयर्स होती हैं सो दे हैव ओनली टू लेयर्स ऑप्शन सी ठीक है so नेक्स्ट देखो पी एन बी लॉन्च डिजिटल अपनाएं कैंपेन टू एनकरेज डिजिटल बैंकिंग। ने पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाए कैंपेन लॉन्च करा है डिजिटल बैंकिंग को एनकरेज करने के लिए तो आपको बताना है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सो पी एन बी का हेडक्वार्टर है न्यू डेली में ठीक है ऑप्शन बी एंड पंजाब एंड सिंध बैंक का भी हेडक्वार्टर न्यू डेली में नेक्स्ट देखो Andhra Pradesh government and NPCI, and which of the following bank have tied up to empower 15,000 village secretariats with UPI? So Andhra Pradesh government NPCI, which is National uh, National Payment Corporation of India. और इनमें से किस बैंक ने टाई अप करा है जिसमें वो फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड फोर विलेज सेक्रेटेरिएट्स को एम्पावर करेंगे यूपीआई से ठीक है यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि एन ने ही डेवलप करा है और आर इसको रेगुलेट करता है तो किसने किस बैंक के साथ करा है विच इज कैनरा बैंक ऑप्शन डी ठीक है कैनरा बैंक कैनरा बैंक का हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में विच इज इन कर्नाटका याद रखना कितने विलेज सेक्रेटेरिएट्स को एम्पावर करने के लिए फिफ्टीन थाउजेंड फोर नेक्स्ट देखो विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी इनमें से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने शगुन गिफ्ट एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है सो दैट इज एस बी आई जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन सी एस बी आई जनरल इंश्योरेंस नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑनलाइन डू इट योर एडवाइजरी टूल बाय डिजिट डिजिट इंश्योरेंस इंश्योरेंस फॉर एसएमईज एसएमईज एंड स्टार्टअप ने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप के लिए एक ऑनलाइन टूल लॉन्च करा है जो कि है ऑनलाइन डू इट योर सेफ इंश्योरेंस एडवाइजरी टूल तो आपको बताना है उसको क्या नाम दिया गया है इस टूल को तो उसको दिया गया एस एम बडी ठीक है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एसएमई ठीक है एसएमई बडी नेक्स्ट देखो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं सो ही इज अश्विनी भाटिया ऑप्शन डी ठीक है अश्विनी भाटिया एस बी आई में टोटल चार मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं ठीक है याद रखना दे टोटल फोर मैनेजिंग डायरेक्टर्स है एस बी आई और एस बी आई के चेयरमैन है दिनेश खरा ठीक है नेक्स्ट देखो सेवेंटी फोर परसेंट स्टेक इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉज एक्वायर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन इंडिया इंडिया के कौन से ग्रुप ने सेवेंटी फोर परसेंट स्टेक एक्वायर करे हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ठीक है एम आई ए एल सो दैट इज अदानी ग्रुप द फेमस ग्रुप ऑफ इंडिया अदानी ग्रुप्स ऑप्शन बी नेक्स्ट देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च टैक्स एक्जेपन फॉर बिजनेस विद इन एनुअल टर्न ओवर ऑफ अप टू हाउ मच रुपीज तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस करा है कि जो बिजनेस हैं उनके लिए टैक्स एग्जेप्ट कर दिया है जिनका एनुअल टर्न ओवर कितने तक का होगा ऑफ अप टू हाउ मच रुपीज तो दैट इज फोर्टी लैक तो जिन बिजनेसेस का एनुअल टर्नओवर 40 लाख तक का होगा उनके लिए टैक्स एग्जेप्ट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नेक्स्ट देखो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फाइव सी विच आरबीआई नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन तो आरबीआई ने पांच सी अनाउंस करे हैं रीसेंट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन में तो so, आपको बताने पांच सी में से इनमें से कौन सा एक सी नहीं है सो दैट इज कैपिटल तो पांच सी कौन से हैं कैपेसिटी कम्युनिटी कम्युनिकेशन कोलेबरेशन एंड लास्ट इज कॉन्टेंट सो दीज आर दाइव सी विच आर बी आई अनाउंसड ठीक है को इनोविटी हैज पार्टनर विद वीजा टू डेवलप इंस्टॉलमेंट प्लेटफॉर्म फॉर फेस टू फेस ट्रांजैक्शन इनोविटी ने वीजा के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें वो एक इंस्टॉलमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे फेस टू फेस ट्रांजैक्शंस के लिए तो आपको बताना है वीजा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है सो so, वीजा का हेडक्वार्टर है यूएसए में ऑप्शन बी द यूएसए ठीक है सो गाइज वी आर डन विद योर टॉप थ्री हंड्रेड क्वेश्चन फॉर एस बी आई क्लॉक मीन्स इसमें जीए के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे मैंने वो डाले हैं और इतने से काफी क्वेश्चन है जो आपके आ भी सकते हैं एग्जाम में सो आई एम नॉट सेईंग की आप ये वीडियो का देखो आपको पी डी एफ तो मिल जाएगा ठीक है यू हैव टू वेट फॉर टू टू थ्री डेज एंड आई प्रोमिस यू आपको डेफिनेटली पी डी एफ मिल जाएगा सो यू जस्ट कीप चेकिंग द वीडियो मैं पी डी एफ का लिंक आपका कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में डाल दूंगी प्लस मेरे जो डेली जी ए सेन होते हैं तो जिस दिन मैं पी डी एफ डालूंगी उसके अगले दिन मतलब मैं उस सेशन में अनाउंस कर दूंगी कि गाइज आई एम गोइंग टू पुट अप दिस पी डी एफ साथ ही साथ आप यूट्यूब कम्युनिटी भी चेक करते रहिएगा जो कम्युनिटी पोस्ट होते हैं वहाँ पर भी आपको पी डी एफ मिल सकती है कभी भी

इसीलिए मैंने बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवरअप कराया जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी मैंने सिर्फ वो बताई है जो भी इंपॉर्टेंट है फालतू का आई हैवन सेड एनीथिंग ताकि आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग और लेंदी ना लगे ठीक है सो ऑल द वेरी बेस्ट प्रिपेयर वेल एंड वी विल कम अप विद मोर सेशन सो ट्यून्ड